ओम अज्ञान तिमिरा आर्य तुम आर्य तुम ओम अज्ञान तिमिरा तवस्य ज्ञाना जनसलाकया चक्षुरुन मिलितम जेना तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबितभुजौ कनकाभदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे जय गोसाई करी चरण बंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुर तमादि देवं करुणा निदानम तमालवर्णम सुहृदावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतम स्वरूपम। जं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं त्वैपायन विरह कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान त्वस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब को हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित भक्ति वेदांत श्रील बन महाराज जी माधव महाराज जी पद्मनाभ महाराज
रामचंद्र प्रभु अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को चरण में मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कोई बात नहीं करना, हरि बोल। हाँ, गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जो अजन्मा जो भगवान कृष्ण है वो कैसे गोकुल में द्विभुज धारण करते हुए मैया जसोदा की कोख से कैसे भगवान कृष्ण जन्म लिया, इसकी रहस्य हम लोग श्रवण कर रहे थे। फिर उसको बाद में हम लोग ने श्रवण किया है कृष्ण कभी अकेले नहीं आते हैं। कृष्ण जब आते हैं वो अपना शक्ति को साथ में ही आते हैं। बोले भगवान की कृष्ण की शक्ति कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी है। गत गल्ले भी हम लोगों ने श्री राधा रानी की जन्म वृतांत को श्रवण किया, लेकिन कुछ कुछ लोगों का कहना है बोले भैया राधा रानी की जन्म कथा कहाँ भागवत में आई? सारा दुनिया जानते हैं भगवान कृष्ण ने ही गोकुल में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, दुनिया जानते हैं कृष्ण जन्म लिए, फिर आपने राधा रानी की जन्म उत्सव कैसे करवाए? बोले जब श्री सुखदेव गोस्वामी जिस समय श्री गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण संस्कार करा रहे थे, वो कृष्ण का नामकरण संस्कार करते समय उन्होंने श्री राधा रानी का भी उन्होंने जन्म वृतांत उन्होंने सुनाया है। वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी श्री गर्गाचार्य जी ये बात उन्होंने बताया, बोले रमा क्रीड़न अभूत नृप, बोले हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं जैसे वहाँ पर स्वयं रमा मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, कभी जो वृंदावन धाम है ये राधा रानी की क्रीड़ा भूमि बन गई। कहते गोपियों ने जब गोपी गीत गाती है, गोपी गीत का जो प्रथम श्लोक है कहते जयति ते धिकाम जन्मना ब्रज श्रयत ही दीरा भी कहते हैं श्रयत इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। गतगल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी से प्रश्न करती हैं, बोले हे राधे आपका नाम को भागवत में किस रूप में ग्रहण करूं? सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं मेरे नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके ही मेरे नाम को ग्रहण करना है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं लेकर के उन्होंने छुपा करके श्री राधा रानी का नाम को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर इंदिरा मतलब होता है माँ, मूल लक्ष्मी है, और मूल लक्ष्मी कौन है? कहते देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में उल्लेख करते हैं, बोले मूल शक्ति कौन है भगवान की, लादिनी शक्ति पराशक्ति कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। उन्होंने राधा जी का नाम इस रूप में ग्रहण किया। जब उन्होंने रासलीला को प्रारंभ कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी, कहते रासलीला को जो प्रथम श्लोक है बोले भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु समश्चक्रे जोग मायाम उपाश्रिता। श्री सुखदेव गोस्वामी रासलीला का पहले उन्होंने बता दिया, क्या बता? बोले जोग मायांग उपाश्रिता, भगवान ने जो रास की है बोले किसकी चरण को आश्रय करते हुए? आप कभी वृंदावन में लीला दर्शन कर रासलीला दर्शन कराते, वहां पर राधा रानी सिंहासन में बैठी रहती है, अभी कृष्ण सखियों के साथ में आ करके राधा रानी से प्रार्थना करते, बोले हे राधे ये रास को प्रारंभ हो रहे हैं,
आप कृपा करके रास में पधारो, क्योंकि जो रासेश्वरी है वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए यह जोग माया उपाश्रिता मतलब है, ये राधा जी की को आश्रय करते हुए ही ये रास प्रारंभ होता है। वहां पर भी राधा जी का नाम है। पहले जब रासलीला कर रहे थे, रासलीला करते करते जब गोपियों के अंदर में सौभाग्य मत प्रकट होता है और राधा रानी का हो जाता है मान, क्योंकि राधा रानी जी ने देखा कृष्ण सब गोपियों के साथ में और कृष्ण मेरे साथ में भी है और सर्व गोपी मेरे साथ में बराबर क्या हो गया है। इतने में राधा रानी मान करके रास को छोड़ देती है। जब रास लीला छोड़ दी, कृष्ण ने देखा जब राधा रानी चली गई रासेश्वरी, फिर रास किसको लेकर होगा। फिर कृष्ण भी रास छोड़ दिए और राधा रानी को लेकर के श्रृंगार भट्ट में सुंदर फूलों की माला से राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की। जब राधा रानी को श्रृंगार की, अभी राधा रानी भी सोच रही है कहते मैंने अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि मैं जैसे सब कुछ छोड़ करके कृष्ण सेवा के लिए आई हूँ, ये गोपियाँ भी तो मेरी काय भी हो है, मेरी एक एक भाव की जो प्रकाश है ये गोपियाँ हैं, इसलिए ये भी तो कृष्ण विरह में रो रही है। अभी राधा रानी सोच रही है अगर मैं थोड़ी मानिनी बन जाऊँ ना, कृष्ण थोड़ी से मेरे को मनाने लग जाए, गोपियाँ फिर हमसे मिलेंगे, फिर हम रासलीला करेंगे। लेकिन गोपियों को पास में आते देखते हुए कृष्ण बोले हे राधे चलो हम यहाँ से जल्दी जल्दी चले जाते हैं। राधा रानी बोले मैं नहीं जा सकती हूँ, जैसे मेरे को रास से उठा करके लाए थे ना ऐसे उठा करके ले जाओ। बोले क्या कंधे में बैठोगे? बोले बैठा तो जब बैठने के लिए गए को कृष्ण वहीं पर ही अंतर ध्यान हो जाते हैं और वहीं पर राधा रानी बेहोश होकर गिर जाती। फिर जब गोपियाँ आती हैं वहाँ पर हैं, जब गोपियाँ ढूंढते ढूंढते आ रही थी, लता पता वृक्षों को पूछ रहे थे, बोले हमारी श्री किशोर जी को कहीं देखे हो? कोई कुछ बोले ही नहीं। लेकिन जब पृथ्वी को पूछे बोले तुम तो सर्वत्र विद्यमान, तुम्हें तो पता होगा राधा रानी कहाँ पर। जब उन्होंने जमीन को ऊपर देखा है ना, इतने में देखा कृष्ण का दो चरण चिन्ह है। वहां पर तीन तरह का गोपियां थी, लेकिन हर तरह का गोपियों को पता है कृष्ण का चरण चिन्ह कैसे है। अभी तो सब गोपियों ने पहचान गए ये तो श्याम सुंदर का चरण चिन्ह है। लेकिन जब थोड़ी सी आगे गए ना, अभी दोनों चरणों को बीच में एक छोटी सी बड़ी प्यारी एक चरण चिन्ह है, लेकिन वो चरण चिन्ह सब नहीं पहचान सके। बोले क्यों? बोले इनमें तीन तरह का गोपियां हैं, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ। कुछ ऐसे गोपियां हैं जो कृष्ण को ही मानने वाले, ये विपक्ष है। कुछ ऐसे गोपियां जो उभय बखगी, कृष्ण राधा रानी दोनों को ही मानने वाले, ये ललिता विशाखा आदि सखियां। लेकिन ऐसे कुछ गोपियां हैं जो केवल श्री राधा रानी की पक्ष वाले हैं। अभी जो राधा जी की पक्ष वाले वो राधा रानी की चरण की सेवा करती हैं, इनको पता है राधा जी के चरण में क्या क्या चिन्ह होता है। लेकिन जब उन्होंने ये चरण चिन्हों को देखा प्रसन्न हो गए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये कौन है? बोले ये प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया, ये राधा जी की प्रिय सुख है, इसलिए ये राधा पक्षी है। इतने में श्री हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते राधा पक्षी होने पर इनकी मन में इतने प्रसन्नता हुई। बोले भले ही कोई बोले कृष्णा हमारी है, लेकिन देखो तो सही, यहाँ पर तो सब तरह का गोपियां थी, लेकिन श्याम सुंदर ने लेकर गए तो किसको लेकर गए हैं? बोले हमारे श्री राधा रानी को लेकर गए, श्री राधा रानी को लेकर गए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बोले अनया राधा तनुनम भगवान हरि ईश्वर जन्ना बिहाय गोविंद। यहाँ पर कहते हैं यही गोपी ही कृष्ण को सर्वोत्तम रूप में उपासना करने वाले ये कौन है? श्रीमती राधा रानी। लेकिन ये बात को श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो बात को बता नहीं पाए ये कौन, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पर बता देते हैं, कहते ये कौन है? श्रीमती राधा रानी। कहते ये श्लोक क्या है?
जैसे दो पक्ष में युद्ध हो, लेकिन जो पक्ष जीत जाता है ना वो शंख बजाता है, कहता हमारी विजय प्राप्त हुआ है। कहते ये जो श्लोक है ये सुखदेव गोस्वामी मान और शंख बजाते हुए उन्होंने डिक्लार करते हैं, जितने कृष्ण की गोपियों के अंदर में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ हो तो कौन है, ये श्रीमती राधा रानी ही सर्वश्रेष्ठ है। बोले श्रीमती राधा रानी की, जोर से बोलो, बोले श्रीमती राधा रानी की। जिस समय कृष्ण रास किए, ब्रज गोपियों ने गोपी गीत को गाए, गाने पर श्याम सुंदर बीच में प्रकट हुए। जब श्याम सुंदर बीच में प्रकट हुए, कुछ गोपियां तो चरण पकड़ लिए, किसने उनको उत्तरी पकड़ लिए, किसने उनको गलवहिनिया दिए, किसने उनको तांबुल मांगे, लेकिन कुछ गोपियां दूर से खड़ी हुई है। लेकिन और एक गोपियां बहुत दूर में खड़ी हुई थी, लेकिन वो फटक नहीं रही थी, वो एकदम तिरछी नजर से भ्रों को टेढ़ी करते हुए श्याम सुंदर का देख रही थी। लेकिन जो श्याम सुंदर का जो नजर है ना, और किसी का प्रति नहीं था, वो जो अकेली गोपी दूर में खड़ी होकर के भवों को टेढ़ी करके देख रही थी कृष्ण, उधर ही कृष्ण देख रहे थे। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते सब कौन है, बोले जो कृष्ण की चरण पकड़े उनकी तांबुल मांग रही है, सब के सब चंद्रावली की दल है। कुछ गोपियां दूर में खड़ी हुई थी, वो कौन है, ये ललिता विशाखा आदि सखियां हैं। लेकिन जो दूर से खड़ी होकर के भवों को टेढ़ी करके कृष्ण को दर्शन कर रही थी और कृष्ण केवल उनका तरफ में देख रही थी, कहती ये कौन है, बोले ये श्रीमती राधा रानी। इसलिए कहते यहाँ पर जो ललिता विशाखा जो दूर में खड़ी हुई, वो सोच रही है बोले देखो भले ही कृष्ण का कोई चरण पकड़े हो, उनको कोई तांबुल मांग रहे हो, लेकिन हमारे श्याम सुंदर, श्री श्याम सुंदर को देखो वो किधर देख रहे हैं, वो केवल श्री राधा रानी के तरफ में देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर राधा जी की सौभाग्य। इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, इसलिए कोई कोई कहते हैं ना, अरे तुम खूब राधे 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 बोलते हो, ये भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं है। कल हम लोग इसी विषय के ऊपर बहुत कथा सुन रहे थे, लेकिन हे तो कहाँ पर है। इन लोगों ने सारे बात को उद्घाटन करते हैं, हमारे महाप्रभु की धारा में जो आए हैं, क्यों हमारी जो उपास्य है ना वो श्रीमती राधा रानी ही हमारी उपास्या है। इसलिए भागवत तो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, फिर वो ग्रंथ में उनका नाम फिर कैसे नहीं होगा। इसलिए इन लोगों ने एक एक करके उन लोगों ने सबके सब उन्होंने दिखाया। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्रीमान नित्यानंद प्रभु की, बोले सपरिकर प्रभु पाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अभी जब कृष्ण जन्म हुए, जन्म होने पर जब गतकल्या श्रवण कर रहे थे, जब कंस ने मारने के लिए चाहा किसको, जोग माया को, इतने में वो आकाश में उड़ गई और अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली, बोले रे मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। उसने देखा ये तो मेरी कुल देवी, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती है। तब कंस ने सब जितने अघासुर बकासुर पुतना को बुलाए, उनने मीटिंग की, बोले बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। पुतना मतलब क्या है, पुतना, जिसको पुत्र नहीं है, बोले मेरा नाम ही पुतना है, पर ये पुत का क्या काम है। कहीं अगर बच्चा जन्म लिया होगा, वो एक महीना अंदर में तो जन्म लिया होगा, बोले हाँ बहन, बोले चिंता मत करो, मैं अपना मन मर्जी में रूप धारण कर सकती हूँ, सारे बच्चों को मैं मार डालूंगी। बोले बहन जल्दी जल्दी ये काम करो। इतने में पुतना ने बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए, 16 श्रृंगार करते हुए सद धज करके सीधा पहुंच गई, गोकुल में पहुंच गई। जब वो गोकुल में पहुंच गई, क्या उसकी चाल, क्या उसकी तिरछी चितवन, क्या उसकी श्रृंगार, क्या उसकी भाव भाव, ऐसे लग रहा था मानो
भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं कमल वन से निकल करके प्रभु को स्वागत करने के लिए आई। सारा दुनिया उनको तरफ में देख रही थी, बोले भैया ये कौन है, ये स्वर्ग से कोई देवी क्या उतर करके आई ना, स्वयं रुद्राणी प्रभु को दर्शन करने के लिए आए। सबके सब आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, बोले कंसेना प्रहिता घोरा राक्षसी बाल घातिनी शिशुम चकार। यहाँ पर कहते हैं, कहते कंस को द्वारा प्रेरित होकर के पुतना कहाँ पर आ गई, जो बच्चों को खून पीने वाली गोकुल में आ गई। तब हमारे टीकाकार लोग यहाँ प्रश्न करते हैं, बोले भैया ये गोकुल क्या है, ये ब्रजभूमि क्या है। कहते ये ब्रजभूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, गुणातीतम परम ब्रह्मम व्यापकम ब्रज उच्यते, ये सर्वानंदमय ही भगवान की धाम श्री गोकुल है। यहाँ पर जब तक भगवान की बात जोग माया की कृपा नहीं होना, वृंदावन धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तब को जब कोई नहीं कर सकता, फिर ये पुतना कैसे प्रवेश करेगी। कहती पुतना फिर कैसे आ गई, इधर राक्षसी है ब्रज में, फिर ये पुतना कैसे प्रवेश कर गई। तब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये कृष्ण की इच्छा है। बोले कृष्ण की क्या इच्छा है, बोले अगर ये पुतना नहीं आती फिर कथा क्या सुनते होता, अगर रावण नहीं होता रामलीला इतना बड़ा होता, कंस नहीं होता फिर कृष्ण लीला कभी हो सकती है, जगाई माधाई नहीं होते, महाप्रभु का महिमा दुनिया में प्रकाश क्या होता। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जत तो देखो चैतन्य हरी से सब चैतन्य लीला पुष्टिकारी। जिन जिनियों को हम देखते हैं ये सबके सब भगवान की शत्रु है, दूसरे तरफ में देखोगे ना ये भगवान की लीला को मदद करने वाले यही लोग हैं, भगवान की लीला को मदद करने वाले। ये कृष्ण की इच्छा से पुतना ब्रज में आई, ब्रज में पुतना आई। जब ब्रज में पुतना आई, इतने में पुतना जब जा रही थी, अभी कृष्ण तो जन्म हुए 6 दिन केवल हुआ है, हैं 6 दिन ही हुआ है, अभी भी वो महोत्सव अभी भी खत्म नहीं हुआ। सबके सब गोपियां क्या कर रही थी, सबके सब नंद भवन में जा रही थी, सबके मुंह में एक ही बात है, बोले देखे हो देखने में तो कारो है लेकिन दुनिया को उजाला करने वालों है, बड़े प्यारे हैं बड़े सुंदर है, सबके सब एक ही बात बोलते बोलते जा रही थी। लेकिन जब अंदर में उन्होंने प्रवेश किया, वहां पर मैया जसोदा और रोहिणी थी, कृष्ण पल्ले के ऊपर में कृष्ण पल्ले में सोए हुए थे। इतने में पुतना गई, चाह करके कोई बोल चाल नहीं, सीधा कृष्ण को पकड़ ली, बोले मैया मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झूला कर रखते हैं, इसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। सीधा पकड़ करके उनने पकड़ लिया। पकड़ जब लिया तब यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया तुम्हारी घर में कोई अनजान व्यक्ति आए, कोई बोल चाल नहीं, जिसको आप नहीं जानते हो, किसी दूसरे बच्चों को ले सकते हो कभी, ले उठाओगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं क्या। बोले फिर वो लोग कुछ बोले ही नहीं क्यों, बोले इसलिए नहीं बोले, वो इतने सुंदरी बनकर के आई थी, मैया सोच रही थी कृष्ण लाला जितने सुंदर हैं, अगर इसका मैया बनने का लायक यही है, मतलब इतने सुंदर बन करके आई थी, क्यों इसलिए सुंदरी बन करके आई थी, कोई रोक ठोक नहीं करी, वो आसानी से अंदर में प्रवेश कर सकूं। जब उनने कृष्ण को मुंह में उन्होंने स्तन को पान कराया, कृष्ण पान जब करा रहे थे, इतने में गोद में उठाया, गोद में उठाते ही कृष्ण ने आंख बंद कर लिया। तब हमारे टीकाकार लोग कहते कृष्ण क्यों आंख बंद किया, इसके ऊपर में हमारे टीकाकारों ने क्या क्या कारण बताए, मैं 4-5 कारण बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, मेरे को बताना क्या क्या सुने हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पूछना है, इसलिए रोज जो जो मैं कथा सुनाए ऐसे ध्यान देकर सुनो। इसका पहला कारण बताए, बोले भगवान कृष्ण जगत में आए क्यों हैं, बोले परित्राण आय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। इसलिए भगवान कृष्ण इसी जगत में आए हैं। अभी मानो ठाकुर जी श्री गणेश करने जा रहे हैं, अभी कृष्ण को सर्वप्रथम मारे ना, सर्वप्रथम पुतना को मारे, अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं।
जब श्री गणेश करने जा रहे थे, इतिमध्य जब उन्होंने कृष्ण को गोद में उठाए, कृष्ण आंख बंद कर दिए। बोले आंख क्यों बंद करी? बोले इसलिए आंख बंद कर दिए, कहते भगवान को कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि भगवान ही। कहते अगर मैं आंख खोल दिया ना, ये तो साक्षात राक्षस ही है। कहते ये जल करके तो ये खत्म हो जाएगी, है ये जल भून कर खत्म हो जाएगी, फिर इसको फिर मारूंगा कैसे? इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने आंख को उन्होंने बंद कर दिया। ये पहला कारण। दूसरा कारण है, भगवान सोच रहे हैं देखो ये ब्रज में जो जन्म हुए हैं वो कोई साधारण जन्म नहीं हुए हैं, सबके सब कृष्ण के सखा और सखियां जन्म हुई है। बोले इनको तुम मारने के लिए आए हो, मेरे सखा सखियों को, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूं। कितना कारण हो गया? दो हो गया। तीसरा कारण बताए, भगवान अभी सोच रहे हैं भैया ये बच्चों का एक स्वभाव देखना, क्या स्वभाव है? अगर घर की कोई सदस्य हो ना, परिचित व्यक्ति हो, आप देखना बच्चा आसानी से उसकी गोद में चले जाते हैं, लेकिन कोई अपरिचित व्यक्ति हो उसको गोद में जाते हैं? बच्चे जन्म में डरते हैं, गोद में जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कृष्ण ने देखा ये दारी के कहाँ से आ गई है, इसको कभी हमने देखो ही ना, ये कहाँ से आ गई। इसलिए मानो भगवान ने आंख को बंद कर दिया। चौथा कारण बताए, बच्चों के एक स्वभाव क्या है, ज्यादा समय देखना बच्चे सोते ही रहते हैं। ज्यादा ही समय बच्चे सोते रहते हैं। थोड़ी देर पहले जगे थे, मानो ठाकुर जी अभी ठाकुर जी सो रहे हैं। और पंचमा कारण बताए, कृष्ण सोच रहे हैं ये पूर्व जन्म में इसने इसे कौन सा काम किया है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ना बोले जय नामा मोनी जत न कराई, जनमा मोनी जत न कराई, जनमा मोनी जत न कराई, जनमा मोनी जत न कराई, अंतराम कही स्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंत समय में भगवान का नाम नहीं आती है, लेकिन ये पूर्व जन्म में ऐसे कौन सा उसने तपस्या किया जो कि ये मेरे को गोद में ले रही है। कहते यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचिम, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी भगवान की चरण की छटा तक भी वो दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसने इसे कौन सा कर्म किया, ये मेरे को गोद में उड़ ले रही है। इसलिए मानव भगवान ने आंख बंद करके उसको पूर्व जन्म को देख रहे थे, ऐसे उसने क्या पुण्य किया है, देखा सचमुच से ये पूर्व जन्म में पुण्य किया है। बोले क्या पुण्य किया है, जब भगवान वामन देव बलि महाराज के घर में आए थे, उनकी जो बेटी रत्नमाला थी भगवान का रूप को देख करके रीझ गई। बोले अगर ये मेरे लाला बन के आता है ना, दिन भर इसको मैं स्तन पान कराती, गोद में लाड़ लड़ाती। लेकिन जब उन्हें तीन दो पग में सब कुछ लेकर के फिर वरुण पास में बांध दिए, बोले बड़ा दुष्ट है, सारे पिताजी की संपत्ति अपहरण कर लिया, फिर क्या कर रहा है, मेरे पिताजी को फिर वरुण पास में बांध दिया। बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, मैं तेरे को दूध क्या पिलाऊं, मैं तेरे को जहर पिलाऊं। देखा वही रत्नमाला अभी क्या बन करके आई है, पुतना बन करके आई है। इसलिए भगवान ने इसलिए आंख बंद करके पूर्व जन्म को देख रहे थे। उसका और कारण, और एक संत कारण बताते हैं क्या है। इसलिए भगवान ने आंख बंद किया, उन्होंने आंख बंद करके ना भोले बाबा की याद कर रहे थे। बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले क्यों?
बोले भैया बीज पीने का काम है तुम्हारा और दूध पीने का काम मेरा है, क्योंकि समुद्र मंथन से बीज निकला तो किसने पान किया था? शंकर जी पान करके अपना कंठ में वो बीज को उन्होंने धारण किया, इसलिए शंकर जी का नाम पड़ गया, नीलकंठ नाम पड़ गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव की, इसलिए बोले भोले बाबा आप तो पी लो बीस बीस को, और मैं दूध पीने के लिए आया हूँ, मैं दूध दूध को पी लेता हूँ। ऐसे ही टीकाकारों ने बहुत बहुत करके 15 कारण इसको पीछे बताए, भगवान ने ये आँख को क्यों बंद किया है। इतने में भगवान स्तन क्या पान करेंगे, उसको प्राण को भगवान ने शोषण किया। जब प्राण को शोषण कर रहे थे बोले माँ मुंच मुंच मिति, उन्होंने बोले छोड़ दे मेरे को छोड़ दे। भगवान ने बोले देखो मैं सहज में किसको पकड़ता ही नहीं, लेकिन एक बार किसको पकड़ लू ना, अभी तक मैंने कभी छोड़ना सीखा ही नहीं, अभी तक मैंने किसको छोड़ना सीखा ही नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी तुम्हारे पास में गया, तुम खुद मेरे पास में आए, फिर मेरे को तुमने गोद में लिया, फिर दूध पिलाने के लिए कोशिश की हो, इसलिए कभी मैं तेरे को छोड़ सकती थोड़ी हूँ। जब तक अपना धाम में नहीं पहुंचा देता हूँ तब तक छोड़ूंगा नहीं। इतने में पुतना सोच रही थी कि जब छुड़ाने कोशिश की नहीं छुड़ा सकी, बोले किसी तरह से अगर मैं मथुरा चले जाऊँ भैया कंस कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। इतने में पुतना अपना असली रूप में आ गई और आ करके उन्होंने आकाश में कृष्ण को लेकर के उड़ चली। उड़ते उड़ते गई और कंस की एक बगीचा थी, जो सबसे प्यारा सुंदर बगीचा कंस का, जिसमें हर तरह का फल फूल से भरा हुआ था। और कंस का निर्देश था यहाँ का कोई भी फल फूल जैसे कोई ब्रजवासी कृष्ण सेवा में नहीं लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए मेरी और मेरे अनुयायी जितने अघासुर बकासुर को सेवा में। कृष्ण ने बोले दारी के दुनिया बनाया मैंने, और मेरे को मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, जितने दुष्टों को मिलेगा, इसलिए उन्होंने पुतना को उड़ा करके उसी बगीचा में ले करे, और उसी बगीचा में ले करके कहते पुतना कितने बड़ी थी, बोले त्री गभ्यु थी। देखो जो लोग इधर से आते हैं ना इनको आने नहीं देना, इधर रास्ता को पूरा क्लोज करके बैठ जाओ, जो आए ना पीछे से एक रास्ता कर दो और उधर से आए। हमारे पुजारी जी कहाँ गए? पुजारी जी है एक व्यक्ति, वहाँ खड़े हो जाओ, जो कोई सामान लेकर के आते हैं उनको अंदर में आने नहीं देना, उनको वहीं पर रोक लेना, वो सामान को वहीं रख ले, और जब कीर्तन होगा ना वो सामान को इधर इधर, जैसे कोई नहीं आ पाए, माता जी कोई इधर मत आओ, इधर नहीं आना, पीछे जाओ, इनको कोई किसको इधर घुसने नहीं दिया करना, ठीक है, इसको पूरा क्लोज करके बैठ जाओ, बैठ जाओ सबके सब, इधर घिस उधर उधर जाओ सबके सब। ए उधर कौन है? उधर हरे कृष्णा हरि बोल। कोई सामान लेकर के आएगा उसको इधर आने नहीं देना, वो सामान को वहीं रख लिया करना, ठीक है, जब कीर्तन होगा फिर बाद में यहाँ पर रखना। माताएं किसी को भी इधर आने नहीं देना, नहीं पीछे पीछे जाओ, पीछे जाओ, इधर नहीं आना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। माताएं जो बैठे हो किसको घुसने नहीं दिया करना, वहां पर एक व्यक्ति को खड़े कर दो, आप लोग थोड़ा सर करके बैठ जाओ, कोई रास्ता खाली मत रखो, बीच बीच में कोई स्थान नहीं रहनी चाहिए, सब सटक करके बैठ जाओ। हरे कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने पुतना को लेकर के वो जो बगीचा थी ना उसी बगीचा में ही गिराया, लेकिन ये ब्रजवासियों का कोई भी खेती कोई भी चीज ब्रजवासियों को कभी नुकसान नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति भगवान के भजन करते हैं भक्ति करते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कौनते है प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणिशति। बोले हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं होता है, हैं? लेकिन ये कहाँ पर गिराया? बोले कंस के बगीचा में। बोले बगीचा में क्यों गिराया? देखो ये चीज को अच्छे तरह समझ लो, ध्यान देकर सुना। इसलिए उपनिषद कहता है ईसा बास्यम इदम सर्वम जत किंचा जगत त्या जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माँ घृत कसन। कहती जगत में हम जो कुछ देखते हैं किसने ये दुनिया को बनाया बताओ? किसने बनाया? भगवान ने दुनिया को बनाया। फिर क्या करनी चाहिए?
मतलब जो कुछ ग्रहण करते हो तेना त्यक्त्वे न, मतलब भगवान को अर्पण करके उसको प्रसाद रूप में ही ग्रहण करनी चाहिए। ये नियम है, है? ये नियम है। हमारे देश में जब कोई खेती होता था ना, पेड़ का जो सबसे पहला फल है वो मंदिर में लेकर देते थे। हमारे देश में जो धान सबसे पहले जब धान उठता है, हमारी उड़ीसा में नियम है, सबसे पहले उसको जगन्नाथ जी के लिए ले जाते हैं, जगन्नाथ जी को, हैं? जो मकर संक्रांति होता है ना, उसी दिन जगन्नाथ जी को सारी चीजें लेकर जगन्नाथ जी को देते हैं। फिर वहाँ भगवान को भोग लगा करके लाते हैं, फिर घर में उसको खाते हैं। इसलिए क्योंकि दुनिया भगवान का दिया हुआ दुनिया, इसलिए सब कुछ उसको अर्पण करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन कहते, जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं, बोले प्रसाद सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजाए थे, मेरे को जो भोग लगा कर खाएगा उसको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आएगा। लेकिन जो मेरे को भोग नहीं लगाए, खुद बने खुद चट कर लिया, भगवान की सेवा कुछ नहीं किया, कहते भुंजन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणा, जो लोग अपना लिए बना करके खुद खाते हैं, मेरे को नहीं देते हैं, कहते वो केवल पाप भोजन करते हैं। और मनु संहिता तो कहता है, स्वान भिष्टा समाचार न निरंच सूर्यासम, कहते जो भगवान की भोग नहीं लगता है वो क्या है, बोले कुत्ते का पट्टी भिष्टा खाना और दाल चावल खाना बराबर है। पानी क्या है, कहते मूत्र पेशाब पी रहे हो। इसलिए भगवान के भोग लगाए बगैर कोई चीज भी हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे ना भगवान की भोग, फिर कौन आएगा, पुतना आ जाएगी उड़ करके, फिर वो पुतना ही आएगा और कोई नहीं आएगी। इसलिए जीव गोस्वामी ये बात को कह रहे हैं, कहते ब्रजवासियों का तो कोई भी वस्तु थोड़ी सी भी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन नष्ट हुआ तो किसका हुआ, ये पुतना की, कितने किसकी हो गई, ये कंस का सारे बगीचा को उन्होंने तस नस कर दिया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री बन महाराज की दंडवत। इसलिए इतने में सारे ब्रजवासी भागते भागते सारे ब्रजवासी गए, हैं? जा करके देखा पुतना मरी पड़ी हुई। बोले भैया पुतना मरी तो मरी कैसे, हैं? कहते ये पुतना मरी तो मरी कैसे, लगता है कहीं से ठोकर लग गई, हमारे लाला को उड़ा करके ले जा रहा था, कहीं से ठोकर लग गई इसलिए ये पुतना मर गई है। लोग तरह तरह के बात करने लग गए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं ये भगवान कृष्ण कौन है, हैं? तरह तरह का बात बोले। बोले भैया हमारे लाला कहाँ पर है, देखा कृष्ण छाती के ऊपर में किलकारी मारते हुए खेल रहे हैं। लेकिन वो कितना थी, बोले त्रिगभ्युति थी, हैं? त्रिगभ्युति, कहीं कहीं कहते चार मील, कहीं छः मील, छः त्रिके आठर, कहते आठर मील। ब्रज में संत लोग कहते हैं, जहाँ पर उसकी हाथ गिरी ना उस स्थान का नाम पड़ गया हाथरस, जहाँ पर उसको अलंकार गिरा उसका नाम पड़ गया आलीगढ़, जिसका उसका मूड सर गिरा उसको मुड़सान कहते हैं, जिसका इसकी गर शरीर गिरा उसको आगरा कहते हैं, हैं? इसको आगरा कहते हैं। इतने बड़ी पुतना, इतने बड़ी पुतना थी। बोले भैया लाला के कहाँ हैं, और दांत नंगल लंगल के जैसे, कांटा जैसे, उनका जो स्तन पर्वत जैसे, नाभि सरोवर जैसे भयंकर रूप थी उसकी। बोले वही लाला को कहीं से उतारे, बोले सीढ़ी लाओ, सीढ़ी लगा करके जो चढ़ रहा था ना, बोले हे भगवान अगर ये बीच में जग जाएगी ना सीधा खा जाएगी, हाँ, डरते हुए उसको ऊपर में चढ़े और लाला को उतारे। उतार करके फिर मैया ने लाला को उन्हें स्तन पान कराया। जब स्तन पान कराया, कृष्ण जब स्तन पान करते हुए थोड़ी सी उन्होंने किलकारी मारते हुए हंसे, बोले लाला ठीक ठाक है, लाला का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर मैया ने किया कि बोले गोमूत्रे न स्नापय पुनर्भी ब्रज गो कभी। फिर उन्होंने गोमूत्र से उन्होंने स्नान कराया, काली गैया की पूछ से झाड़ लगवाया, राई नून की मंत्र करके लाला को अपने छिड़काव करवाया। फिर जो तिलक हम देखते हैं ना, कृष्ण की द्वादश अंग में उन्होंने तिलक धारण कराया। देखो भगवान को स्वयं माँ जसोदा भी ये तिलक लगाती है भगवान की। और जैसे हम कहते ललाट केशवाय नमः, उदर नारायण नमः, बख्खे माधवाय नमः, कंठे गोविंदाय नमः, ये तिलक
को ऐसे स्थापन करनी चाहिए, हैं? इसको ऐसे स्थापन करनी चाहिए। कृष्ण मन मन में हंस रहे थे, बोले देखो मेरे नाम की कितने महिमा है, मेरे मैया मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन ये मैया क्या कर रही है, मेरे नाम से मेरे को तिलक लगा रही है। मतलब मेरे जो नाम है, मेरी ये नाम मेरे को भी रक्षा करने वाले मेरे नाम है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, रोज हमें तिलक लगानी चाहिए। इसलिए महाप्रभु जब टीचर थे, कोई एक स्टूडेंट बगैर तिलक के आगे, महाप्रभु बैठने नहीं दिया उसको, बोले तुमने तिलक नहीं लगाया, तुमने गुरु मंत्र जप नहीं किया, घर में जाओ, घर में जा करके तिलक लगा कर थपर यहाँ पर आना, बगैर तिलक के यहाँ पर नहीं आना। तब यहाँ पर महाप्रभु ये सब क्यों बताए, श्रील प्रभुपाद हमारी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इतने लंबी उन्होंने टीका इसको ऊपर लिखी। ये तिलक की क्या महत्व है, क्यों मैया यहाँ पर, क्यों महाप्रभु ने बोले बगैर तिलक के तुम क्लास में कैसे आगे, क्यों ये तिलक की क्या महत्व, इतने पुराण से उन्होंने श्लोक उन्हें उद्धृत करते हुए इतना उन्होंने तिलक को पर बताए। बाद में इस बात को हम लोग सुनेंगे। इसलिए सबके सब क्या करना बताओ, क्या करना, तिलक के बगैर कोई भी, जैसे हम देखना भारत में कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आता है, जब तक तुम्हारी तिलक नहीं लगाएगा कोई पूजा नहीं करवाते, क्यों, तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा सेवा सब निष्फल, तुम्हारी सारी पूजा सेवा तुम्हारी निष्फल, कोई काम देने वाले नहीं। इसलिए नियम है, सर्वप्रथम वैष्णव का पहला धर्म है स्नान करके, जैसे साधवा स्त्री सबसे पहले मांग भरती है, सिंदूर लगाती है, तभी पति को सामने आती है। नियम है जो साधवा स्त्री है बगैर मांग और सिंदूर भर के पति को सामने नहीं आनी चाहिए, उसको अपवित्र मानी जाती है, अमंगल मानी जाती है। इसलिए शास्त्र में बताया, अगर तुम्हारी तिलक नहीं, तुम कृष्ण के पास में गई हो, गले में कंठी तिलक, भगवान तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, बोले तेरे से मेरे कोई संबंध नहीं। साधारण जगत के लिए पति के लिए तो इतने मांग, मोटी मोटी मांग भर दिए तुमने, जो दो दिन का पति है तीन दिन में कहाँ जाएंगे, हैं? नकली पति के लिए इतना, असली पति के लिए तुम्हारे पास में क्या लक्षण है, तो हमें मानते हो क्या चिन्ह है तुम्हारी अंदर में। इसलिए भैया, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, बगैर तिलक के आएगा तो महाप्रभु निकाल दिया उनको क्लास से, जाओ घर में तिलक लगा करके फिर क्लास में आना। इसलिए तिलक की बड़ी महत्व है, तिलक ही, ठीक है ना, सबके सब ये तिलक, गोपी चंदन का तिलक जरूर लगाया करना तिलक ही। इसलिए यहाँ पर मैया यशोदा स्वयं कृष्ण को तिलक लगा रही हैं, हैं? सबके सब तिलक लगा करके, फिर तिलक लगा करके फिर भगवान ने जब मुस्कुराए, सोचे लाला ठीक ठाक है, बोले भैया इतने बड़े शरीर को हम क्या करेंगे, राक्षसी, बोले आग लगा दो, बोले भैया उतना लकड़ी भी तो चाहिए, लेकिन जोग माया पहले से रेडी करके रखा, क्योंकि जो पुतना गिरी थी वो जितने बड़े बड़े पेड़ फेड़ना सबके सब चकनाचूर हो गया था, हैं? बोले भैया कुछ व्यवस्था करने का जरूर, कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल आग लगा दो। लेकिन जब आग लगाए ना, एक व्यक्ति को जलाओ तो शरीर से बदबू आती है, पता चलता कहीं एक इंसान को जला रही, लेकिन उसको जब जलाया उसको शरीर से कर्पूर अगुर चंदन की खुशबू आई। बोले क्यों, बोले भगवान जिनके स्वयं स्तन पान किया है, ठाकुर जी स्तन पान किया, और ऐसे सुगंध निकल रही थी, ऐसे लग रहा था क्या ब्रह्म लोक से ना स्वर्ग लोक से कोई सुंदर क्या कोई खुशबू आ रहे हैं। इसलिए जितने सारे ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हो गए, जब इकट्ठे हो गए तब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कृष्ण कितना दिन में पुतना को मारे हैं, बोले जोर से, छह दिन में भगवान पुतना को मारे। बोले छह दिन में क्यों मारे, बोले कारण है, पहले पहले आप लोगों को पता होगा जब घर में कोई बच्चा जन्म लेता था 21 दिन तक, हमारे गांव में तो 21 दिन तक स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, अंदर में कंडा जला करके वहीं पर सेकाई करती थी बच्चों को, और 21 दिन तक कोई बाहर अपवित्र मानी जाती थी 21 दिन तक। अभी ब्रज में वहां पर तो अभी घर से कृष्ण बाहर नहीं निकल पा रहे अंदर में, लेकिन ब्रजवासियों को पता चला इतने सुंदर लाला, इतने सुंदर लाला, सारा दुनिया में हला हो रहा था क्या आप सुंदर है।
अभी ब्रजवासी सभी की इच्छा हो रही थी हम भी लाला को दर्शन करें, हम भी लाला को दर्शन करें, लेकिन उसी समय तो स्त्रियों को सिवाय अंदर में कोई प्रवेश नहीं कर सकती थी अंदर में। अभी कृष्ण ने देखा ये सबके सब मेरे ब्रजवासी भक्त हैं, अभी ये तरस रहे हैं मेरे को दर्शन देने के लिए, क्या करें। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, पुतना को बुला लिया, और पुतना को बुला लिया तो पुतना तो अंदर से पकड़ करके पूरा बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई इतने में सारे ब्रजवासी वहां इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के सबके सब ठाकुर जी को दर्शन कर लिया है, ठाकुर जी को दर्शन कर लिया। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए जब मेरे भक्त लोग मेरे को दर्शन कर लिया है। इतने में श्री नंद बाबा गए हुए थे, कहां पर, मथुरा में गए हुए थे कंस को कर देने के लिए। लेकिन जब उन्होंने वसुदेव से मिला, वसुदेव गुप्तचर से पता लगा रहा था कंस का प्लानिंग क्या है, आगे की क्या प्लानिंग कंस की, पता चला उन्होंने पुतना को भेज दिया मारने के लिए। जब नंद बाबा वसुदेव भाई लगते आपस में, जब नंद बाबा मिलने के लिए गए, बोले नंद बाबा, वसुदेव बोले जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हो सकता है ब्रज में कुछ अनहोनी हो सकती है। इतने में नंद बाबा, हे नारायण, तुमने ये बूढ़े उम्र में लाले लाला दिए हो, लाला को तुम ही रखा करो। ठाकुर का स्मरण करते करते नंद बाबा आ रहे थे। जब सचमुच से गोकुल में आए, वो सारी कथा सुनी, ये पुतना कैसे कृष्ण को लेकर भाग गई थी और किसी तरह से कैसे गिर गई, गिर करके मर गई। बोले हे भगवान, ठाकुर ने, नारायण ने मेरे लाला को रखा किया है, लगता है वसुदेव है ना बहुत बड़ा ज्योतिषी है, पहले से ही बता दिया कुछ अनहोनी हो सकती है। तब यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक उच्चारण करते हुए कहते हैं, हमें किसको भक्ति करनी चाहिए, किसको भक्ति करनी चाहिए। बोले कृष्ण को ही भक्ति करो और किसी को भक्ति मत करो। बोले क्यों, एक श्लोक को द्वारा कहते हैं, बोले राक्षसी पुतना लोक बालाग्नि, राक्षसी रुधिरासना, जिज्ञासया अपि हरे स्तनम दत्वा अपसद गति। हाँ, अच्छे तरह से सुनो, क्यों दूसरे देवा देवी को भक्ति नहीं करनी चाहिए, कृष्ण पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। कि देखो पुतना को अंदर में जितने सारे दुर्गुण है, पहला नंबर पुतना, पुतना जो अपवित्र है, दूसरे नंबर में करती थी कि बच्चों को खून पीते थी, तीसरे नंबर में राक्षसी, चौथे नंबर में कृष्ण के लिए क्या लेकर के आई थी, बोले स्तन में कालकुट जहर लेकर के आई थी, उसकी अंदर में कोई भी सद्गुण नहीं। लेकिन उसने जो कि नाटक की ना, बोले मैया जसोदे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलानी चाहिए, इसको तो गोद में लेकर के प्रेम करनी चाहिए। उसने जो इतना नाटक रचाई ना, भगवान इतने में ही संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होकर के भगवान ने कहाँ भेज दिया इनको, इनको गोलोक वृंदावन में धात्री चित, मतलब है मैया की अनुगत्य में जो धाई मैया होती हैं, वो धाई मैया की गति कहाँ पर दे दिया, बोले गोलोक वृंदावन में उन्होंने स्थान दे दिया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, कहते यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, पहला नंबर पुतना जो अपवित्र है, पुतना अगर जो अपवित्र होकर के ठाकुर के पास में आई, अगर ठाकुर जी इतने बड़े गति दे सकते हैं, जैसे आप लोग बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया बढ़िया साड़ी सूट सलवार बढ़िया बढ़िया पहन करके आए हो, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके आए हो, फिर ठाकुर जी उनको क्या नहीं देंगे। फिर ठाकुर जी के लिए क्या लाई थी, उनने जहर लेकर के आई थी। अगर जहर लेकर के आए, अगर उसको इतना बड़ा स्थान दे सकते हैं, अगर कोई ठाकुर के पास में भले ही कुछ मत लाओ, अगर खाली हाथ में भी आ जाओ, भाव अच्छे हो, फिर ठाकुर जी क्या नहीं दे सकते हैं। नहीं तो ठाकुर का प्रिय चीज जैसे कि फूल की माला ले आए, नहीं ठाकुर का कुछ फूल ठाकुर जी के लिए, यहाँ पर कुछ माताएं ठाकुर जी के लिए रोज फूल की माला बनाते हैं। भैया ठाकुर क्या देखना, तुम सोच भी नहीं सकते हो जो ठाकुर जी के लिए माला बनाते हैं। नहीं तो ठाकुर जी की कोई प्यारा चीज, कोई फल, नहीं तो सबसे प्यारा ठाकुर का मक्खन और मिश्री।
अगर अगर कोई ठाकुर जी के लिए थोड़ा मक्खन मिश्री लेकर के आए हो, आज भी आप लोगों ने गिरिराज के लिए बढ़िया बढ़िया सब सामान लेकर के आए हो, गिरिराज के लिए सबके सब बढ़िया बढ़िया चीज लेकर के आए हो। फिर बताओ ठाकुर उनको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। तीसरा नंबर में बताए वो थी राक्षसी। अगर राक्षसी को इतना बड़ा पोस्ट दे सकते हैं अगर कोई इंसान, नहीं तो जैसे आप लोग गले में कंठी और माला धारण करते हुए आए हो, आप बताओ ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया भगवान उसको पर रीझ जाते हैं। जो थोड़ी सी ठाकुर जी के लिए करो भगवान हैं, वो कभी गुण अवगुण प्रभु देखो ना कहो। ठाकुर कभी किसकी अवगुण का प्रति ठाकुर कभी नजर नहीं देते हैं। उसने जो अगर नाटक की थी इतने सुंदर लाला को पलने में थोड़ी झुलाते, एक सेकंड के लिए की, और ठाकुर जी इतने के लिए ठाकुर जी उसको गोलोक वृंदावन दे दिया। तब हमारे श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण से एक प्रश्न करते हैं। हाँ ध्यान देकर सुनो क्या प्रश्न करते हैं। बोले प्रभु लगता है तुम्हारी जो राज्य है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा और टाका सर भाजा और टाका सर खाजा, लगता है तुम्हारी जो नगरी है ना ये अंधेरी नगरी है। बोले क्यों ये अंधेरी नगरी क्यों है, ये बच्चों की इधर आने मत, उधर बैठा। इसलिए ये अंधेरी नगरी क्यों है, बोले ये बताओ पुतना को अगर इतने राक्षसी पापी इतने गंदी थी, अगर उसको आपने दे दिया कहाँ, उसको दे दिया गोलोक वृंदावन दे दिया, जो तुम्हारी भक्त हो उनको क्या दोगे बताओ, तुमको जो प्रेम से इतना भक्ति करते उसको क्या दोगे। लगता है तुम्हारी जो नगरी ना अंधेरी नगरी। इसलिए संत की कथा सुनाते हैं, एक समय एक गुरु और एक चेला घूमते घूमते एक राज्य में पहुंचे। वहां पर जो कुछ खरीदी करो ना सब एक किलो एक टका, अगर कोई साग भाजी लो एक किलो, घी लो एक किलो, राबड़ी रसमलाई लो एक किलो। जब गुरु चेले पहुंचे, चेले ने कहा भैया बढ़िया जगह पर आ गए, जो कुछ लो सब कत्तम एक किलो है। बोले गुरुजी यहाँ से कभी नहीं जानी चाहिए, यहीं पर रख करके खा पी करके ना, ये साग भाजी क्यों खाए, रोज राबड़ी रसमलाई घी पियो ना, शरीर को थोड़ा बनाएंगे। लेकिन गुरुजी तो हो ना आ रहे। बोले बेटा लगता है ये चौपट राजा है, जिस देश में हर चीज एक रुपया उसका बयालीस कभी सही हो सकता है, लगता है ये राजा थोड़ा पागल है, वो राज्य कभी सही नहीं रह सकती है, बेटा यहाँ नहीं रहनी चाहिए, जल्द जल्द भागो। बोले गुरुजी इतने बढ़िया जगह पर आए कहते भागो जल्दी। बोले गुरुजी आप चले जाओ, मैं तो कुछ दिन खा पी करके शरीर को तंदुरुस्ती बनाकर जाऊंगा। बोले देख बेटा एक काम करियो। बोले गुरुजी बताओ। बोले कोई अगर विपत्ति आए ना मेरे को अंतिम में स्मरण कर लेना। बोले गुरुजी कोई चिंता नहीं आप चले जाओ, रोज रोज राबड़ी रसमलाई घी पी पी करके शरीर को एकदम मोटे ताजे बनाकर रखे थे। एक दिन किसी बूढ़ी मैया घर में चोरी हुई, चोरी करके चोर जब भाग रहा था ना, उसने पीछे से देखा था वो मोटा सोटा था। दूसरे दिन राजा को पास में शिकायत थी कि बोले महाराज कल मेरी घर में चोरी हो गई। राजा ने पूछा तुमने देखे हो, बोला हाँ पीछे से देखा वो मोटा फोटा लंबा चौड़ा था। वो राजा तो थोड़ा पागल था, सिपाही को खबर दिया देखो मेरे राज्य में सबसे जो मोटे चौड़े लंबे उसको पकड़ कर लिया, और ये तो घी रसमलाई खा खा कर शरीर को एकदम लंबा चौड़ा करके रखा था। बोले चलो राजा बुला रहे हैं। बोले क्यों, बोले राज्य में चोरी हुई है बूढ़ी माता जी घर में, और उसने बताया पीछे से देखा वो लंबा चौड़ा मोटा था, राज्य में सबसे ज्यादा तो मोटे लंबे चौड़े। चलो राजा के पास में। बोले हे भगवान किसने चोरी किया, पीछे से देखा तो मेरे को लेकर के आ गए। राजा बोले तुमने चोरी की, बोले मैंने नहीं की। बोले बुढ़िया ने तेरे को पीछे से देखा लंबा चौड़े, राज्य में सबसे तू लंबे चौड़े हो, तेरे को फांसी दिया जाएगा। बोले गुरुजी सही कह रहे थे, जल्दी जल्दी चले जाओ, सचमुच राजा पागल है। अब गुरुजी बोले थे अंतिम समय में स्मरण करना, अब देखना फांसी झुलाने से पहले उसको पूछा जाता है कोई मन में क्या इच्छा है तुम्हारी। बोले थोड़ी सी गुरुजी से मिलना चाहते हैं। बोले गुरुजी कहाँ पर है, बोले अमुक स्थान पर। गुरुजी को बुलाया, बोले बेटा क्या बात। बोले गुरुजी सही बता रहे थे, मैं तो फंस गया, ये राजा पागल है। बोले सारी बात बताया, ऐसे ऐसे किसने चोरी की, मोटा छोटा था तो मैंने तो माल खा करके मोटा बना था, मेरे को पकड़ कर ले आए, बोले इसको फांसी में झूला, गुरुजी बचा, मेरे से गलती हो गई। बोले देख बेटा आपस में हम लड़ेंगे, मैं कहूंगा मेरे को फांसी दो और तुम कहना मेरे को फांसी दो, फिर जो होगा मैं हम देख लूंगा।
इतने में गुरु चला इतने लड़े आपस आपस में, गुरु जी कहते मैं फांसी पर झूलूंगा, चेला कहता नहीं गुरु जी मैं, गुरु जी कहता तू नहीं मैं, इतने लड़ना शुरू कर दिया। राजा बैठे हुए बोले इधर आओ, गुरु जी को बुलाए, ये क्या बात तुम क्यों लड़ रहे हो। इतने में गुरु जी ने कहा गुरु जी राजा जी मैं यहाँ आते समय पंचांग देख करके आया है, आज 100 साल को बाद में आज अमृत जो गए 100 साल को बाद में आज का दिन जो फांसी में झूलेगा ना वो सीधा बैकुंठ जाएगा, सीधा वो बैकुंठ जाएगा, मैं देख करके आया हूँ इसलिए मैं झूलूंगा। चेला बोले मैं झूलूंगा। राजा ने सोचा 100 साल को बाद में अमृत जो आया है, जो आज मरेगा फांसी झूलेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। बोले भैया मेरे मैया तो बूढ़ी हो गई, कुछ दिन बाद में मर जाएगी, पर मैया को क्यों फांसी में झूला नहीं दे। बोले भागो यहाँ से, जरूरत नहीं तुमको फांसी झूलने का, मैं अपना मैया को फांसी झूला दूंगा। इतने में गुरु जी ने बोला बेटा जल्दी भागो यहाँ से, और चेला गुरु तो वहां से भाग गए और अपना मैया को ने सीधा फांसी झूला दी। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु ये बताओ जो अपने ये पुतना को जो स्थान दी, इतने बड़े राक्षसी को, जो ब्रजवासी हैं, जिसने तुमको स्तन पान कराया, जिस गैया की स्तन से तुम्हें लालन पालन हुई है, ब्रह्मा जब उन्होंने बछड़े को चुराया, कृष्ण स्वयं बछड़े बने हुए थे, जिस ब्रजवासियों ने तुमको गोद में बैठा करके मक्खन मिश्री खिलाया, जिन गोपियों ने सर्वस्व तुम्हें दिया, उनको तुम क्या दोगे। अगर तुमने पुतना को इतने बड़े पद दे दिया तो भगवान कहते भैया मेरी अंधेरी नगरी चौपट राजा नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ये जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। उनने तो पुतना को केवल उनने धाई माँ की पोष्ट दी, मतलब मैया की जो आनुगत्य में उसकी, हाँ उसकी आनुगत्य की उनने सेवा प्रदान की, लेकिन ये ब्रजवासियों का प्रेम में कितने कितने बसीभूते हैं। सखा लोग स्वयं कृष्ण जिनकी झूठन खाते हैं, कृष्ण सखाओं को साथ में कुश्ती लड़ते लड़ते कृष्ण को श्रीधाम पछाड़ देता है। श्रीधाम कहते तू किस चीज की बड़े हो, हैं तेरे पिताजी की बता कितने गई है। बोले 9 लाख। बोले मेरे जान तुम 11 लाख, और तेरे को मैं पछाड़ देता हूँ। सखाओं को कोई फल मिल जाए ना पहले खा लेंगे। बोले कन्हैया ये फल बड़ा मीठो है। बोले सारे अकेले खाओगे। कृष्ण झपट करके झूठन खाते हैं, हैं झूठन खाते हैं। मैया यशोदा कृष्ण को उखल में बांध देती हैं, जो विश्व ब्रह्मांड का मालिक, जिसने विश्व ब्रह्मांड को अपना इसरा पर नचाते हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो माया के द्वारा बांध करके रखे, मैया यशोदा स्वयं उनको उखल में बांध देती है, उनको उखल में बांध देती है भगवान को। जिस ब्रज गोपियों के प्रेम में कृष्ण इतने बसीभूत हो जाते हैं, बोले न पार है अम निरबद्ध संजुजम, हे गोपियां ब्रह्मा जैसे परमायु लेकर के मैं तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं बन सकता हूँ, ऐसे भगवान उनके प्रेम में बसीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान सर्वप्रथम, भगवान किसको मारे ये बच्चे को बैठा बार मर उठते, इसलिए भगवान सर्वप्रथम उन्होंने ये पुतना को मारे हैं। हैं बोले पुतना को क्यों मारे आप बताओ तो, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे, जोर से बोलो तारका को। देखो ये दोनों प्रभु ने एक ही लीला की, एक ही शिक्षा दिया है। ये पुतना मतलब क्या, पुतना बोले जो पवित्र नहीं अपवित्र। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं अगर मेरे को हृदय में कोई बैठना चाहते हैं सबसे पहले ये अपवित्रता को दूर करो, ये पुतना को मारो। तारका, तारका मतलब क्या है, बोले ताड़यति तारका, जो जीव को भगाता है। कौन जीव को भगाता है, काम क्रोध लोभ मोह ही जीव को संसार में भगाता रहते हैं, हैं? इसलिए मानो दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं। देखो ताड़का ये भी 3 अक्षर, पुतना कितना अक्षर है, 3, और तारका भी स्त्री और पुतना भी स्त्री है, मानो दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं। जब नंद बाबा आए ना मथुरा से, ये सब बात को सुन करके बोले देखो सावधान, एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करना, क्योंकि पुतना तो बड़ी सुंदरी बन करके आई थी, निकली राक्षसी। बोले जिसको तिसको अंदर में घुसने मत दिया करना, अगर आए तो मैं नहीं तो जसोदा के आदेश के बगैर अंदर में कोई नहीं घुसनी चाहिए। इतने में शंकर जी आ गए, ठाकुर की लीला दर्शन करने के लिए शंकर जी बड़े सुंदर लट झट श्रृंगार करते हुए शंकर जी आए। इसलिए शंकर जी को तो कहते हैं सत्यम शिवम
सत्यम शिवा सुंदरम, लेकिन इस शंकर जी की ऊपर का जो बेस है ना बड़े अपवित्र है। बताओ शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं? कोई क्रीम लगाते हैं? भस्म कहाँ की? शमशान की। बोले क्यों? उनका क्या क्रीम कहीं नहीं मिला है, उनको पाउडर नहीं मिला है, तो ये शमशान का ये लगाते हैं क्यों? बोले इसमें बड़े रहस्य है। बोले क्या रहस्य है? आप लोग देख लेना, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते, तब तक राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य कहते हैं, जब तक ये सब को कंधे पर रखते हैं, जब उसको उतार देते हैं ना, पहले राम नाम सत्य नहीं, पर बीवी बेटा ही सत्य है, भगवान का नाम ही मिथ्या है, जब तक कंधे पर तब तक राम नाम सत्य कहेंगे। इसलिए शंकर जी देखते भैया इसमें कुछ महत्व है, जब तक कंधे में रखते हैं कहते राम नाम सत्य, गोविंद नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात उठा, उतार देने पर सब भूल जाते हैं, हैं? इसलिए शंकर जी वो बभूति को शरीर में लगाते हैं। शंकर जी देखते हैं, अगर मैं चंदन लगाऊंगा ना, मेरे सारे भक्त सारे चंदन मेरे सर पर डालेंगे, लेकिन मेरे प्रभु राम कृष्ण सेवा में कमी रहेगी, इसलिए उन्होंने क्या लगाते हैं? बभूति शरीर में लगाते हैं, हैं? और जगत को शिक्षा देते हैं, जिस शरीर को हम इतना प्रेम करते हैं, इसका परिणाम एक दिन दो मुठी राख होने वाले हैं, हैं? शंकर जी के अलंकार किया, कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात है क्या है? देखना सारा शरीर में सर्प ही है, गले में सर्प है, हाथों में कमर में सर्प, ये सर्प कौन है? कदी अनंत देव है, शंकर जी के गुरु है, शिक्षा देते हैं। अगर जीवन में अलंकार बनाना चाहते हो, किस चीज का अलंकार बनाओ? बोले गुरु जी की उपदेश को अलंकार रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारी भवसागर से पार हो जाओगे। सोने चांदी को अलंकार रूप में धारण मत करो। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, बोले तुलसी रहार ना पड़े जछार, जमालय बास तार। तुलसी रहार ना पड़े जछार। अब लोग थोड़ा आगे आ जाओ, आए बास थोड़ा आगे आगे आ जाओ, सब माताएं दो दो माताओं को जगह घेर कर बैठो, सब आगे आ जाओ। तुलसी रहार ना पड़े जे चार, जमाल रे बास तार। आ तिलक धारण ना करे जे जान, तिलक धारण ना करे जा जान, वृथाई जना मतार। वृथाई जना मतार। इसमें कहते हैं हमारे महाप्रभु का भक्त लोग कहते हैं, देखो इधर देखो, हार किस चीज को, किस चीज की हार बननी चाहिए? बोले तुलसी की कंठी की हार रूप में धारण करो, सोने चांदी नहीं। आप देखना मरते समय, ध्यान देकर देखना, मरते समय अगर नाक में भी थोड़ा कोई बेसर अगर सांस की रह जाए ना, इधर तो बहु रोएगी, हाय रे सांस चली गई, हाय रे मम्मी चली गई, रोगी रोएगी, लेकिन पुत्र को बेटा ध्यान देना, मैया की नाक में बेसर है, निकाल लेना, उसको निकाल देना, एक चीज तुम्हारे साथ में जाने नहीं देगी। लेकिन गले में अगर तुलसी कंठी हो, कोई निकालेगा? बोला बता, तुलसी कंठी कोई निकलेगा? कोई नहीं निकालेगा। अगर गले में अगर तुलसी कंठी पहने है ना, सीधा बैकुंठ जाओगे, गोलोक वृंदावन जाओगे। अगर गले में कंठी नहीं है ना, फिर जमदूत तो कोड़े मार मार करके तुमको नरक में ले जाएंगे, फिर बैतरणी नदी पार करेंगे। अगर गला में तुलसी कंठी होएगा ना, कभी भी जमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा, ये समझ जाएगा ये पालतू फालतू नहीं है। इसलिए जब महाराज बोले ना, जो भगवान की भजन नहीं करते उसको ले आना। बोले पता कैसे चलेगा? बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के? एक पालतू एक फालतू है। पता कैसे चलता है ये पालतू और फालतू है? देखना जो पालतू है ना, उसकी गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है ये घर की कुत्ते हैं। और जो फालतू कुत्ते हैं, वो बिना पट्टे के रोड रोड में घूमते हैं। आप देखना, पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं। अगर गले में कंठी है ना, हम किसके पालतू है? अरे बोलो किसके पालतू है? हम श्री रमण बिहारी की पालतू। भैया हमें पालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए? भगवान की हमें पालतू बननी चाहिए।
इसलिए शंकर जी क्या श्रृंगार धारण करते हैं, गुरु जी की उपदेश को, अपना गुरु जी को ही जीवन में श्रृंगार रूप में धारण करते शंकर जी। कौन सा फूल चढ़ता है, कोई जूई बेली चमेली नहीं, धदुरे और आकंद। बोले क्यों? बोले जंगल में जो अपने आप जो फूल होता है, हैं, उसको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। जूई बेली जितने सुंदर फूल था हमारी प्रभु कृष्ण राम की सेवा में लगेगा, इसलिए उन्हें कोई अच्छी चीज धारण नहीं करते हैं। आप देखना सारे बिच्छू सांप शरीर में लटकते हुए रहते हैं, क्योंकि जो संत है ना, कहते संत छुपवाते नहीं, वो अपने आप को छुपवाते हैं। इसलिए शंकर जी जाकर कहाँ बैठे हुए, कैलाश में बर्फ के ऊपर बैठी गई। मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। शंकर जी जब ध्यान लगाते हैं, एकदम शंकर जी पता नहीं कितना जुग जुग तक उनको ध्यान लग जाती है, हैं, इनका ध्यान सहज में नहीं टूटती है। शंकर जी का ध्यान है हर समय, शंकर जी प्रभु के ध्यान में रमे रहते हैं। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, मेरी भजन में कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लेकिन हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, शंकर तो छुपाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन छुपा नहीं सके। बोले क्यों? बोले उनको पास में जगत का सबसे पवित्र वस्तु उनके पास में क्या है बता सकते हो? किसी वजह से शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। वो तो कोशिश किया भजन में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, लेकिन वो छुपा नहीं सके सबसे पवित्र वस्तु। क्या बोलो, क्या बोलेगा जोर से बोलो, कोई बोल नहीं रहे हो, क्या चक्कर है? हाँ, इनके लिए ताली हो जाओ। कैसे? इनको पास में उनकी जटा में शंकर जी की पतित पावन श्री गंगा देवी है, ये भगवान के चरणामृत है। शंकर जी सबसे पवित्र वस्तु का अपना शंकर जी सर पर धारण करके रखे हैं, इसलिए अपने आप शंकर जी छुपा नहीं सके। इसलिए शंकर जी अलग निरंजन करते हुए भगवान की बाल्य लीला को देखने के लिए आए, क्योंकि मैं शंकर जी ने देखा प्रभु का सार लीला तो मैंने दर्शन की, लेकिन भगवान हो करके अगर भूख लगे तो भगवान रोते हैं, फिर मैया दूध पिलाती हैं, विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया उनकी अंगुल पकड़ करके ठुमुक ठुमुक करके भगवान उनको चलाते हैं। प्रभु की मधुर लीला हमने नहीं देखा, इसलिए शंकर जी जब दर्शन के लिए आए, गेट की पर थी मैया, इतने में शंकर जी बोले माता जी मैंने सुना है नंद के एक लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे का भयो है, तेरे का भयो है? बोले लाला को दर्शन करा दो, आशीर्वाद दूंगा। बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो देखने में बड़ी सुंदरी लग रही थी, लेकिन निकली राक्षसी और लाला का तो उड़ा करके ले गया था, किसी तरह से उन्होंने ठोकर खा कर गिर गई तो लाला कैसे बच गया? तू तो देखने में बेस लग रहे हो, तेरे को तो दिख करके मेरा जी घबरा रहा है, और हमारे लाला के ऊपर में बड़े जल्दी नजर लगी जाती है। भैया बाबा जो कुछ भिक्षा लेना ले, अपना रास्ता देख। इतने में जाकर के मैया को बोले मैया कहाँ से के बाबा आयो है? कहते लाला को दर्शन करा दो मैया, उसको देखकर मेरे जी घबरा रहा है। मैया आ गई, बोले बाबा कहाँ बात है? बोले मैया बड़े दूर से आई हूँ, आया हूँ, एक बार लाला को दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा बेटे को, हैं, बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। मैया बोली बाबा मेरे लाला को नजर लग जाती है। अभी शंकर जी सोच रहे हैं भाई भगवान क्या कह रही हैं, उनको पता नहीं ये कौन है, कहाँ विश्व ब्रह्मांड का मालिक, काल भी जिनके डर से थर थर कांपते हैं, कहते मेरे को देख करके वो डर जाएगी, उनको पता नहीं ये विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। इसलिए मैया बोली लाला का दर्शन नहीं होगा, जो सोना चांदी जो लेना ले, अपना रास्ता देख। बोले लाला को जब तक दर्शन नहीं कराओगे ना जाऊंगा नहीं, यहीं पर बैठ रह जाऊंगा। बोले बैठ रह जा, मेरा चार दरवाजा है, पीछे दरवाजा से निकाल दूंगी। बोले मेरा चार रूप भी है, नंदगांव में जाकर देखोगे ना वहां भी चार ही शंकर है। बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरा 11वीं रूप है, 11 रुद्र हैं, कभी तो निकालोगे, दर्शन करके जाऊंगा ही। शंकर जी त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए और बैठ करके वहीं पर डम्बरू बजाना शुरू किया। अरे और भगवान का स्मरण किया, हे ठाकुर जी आपके सारे लीला तो दर्शन किया, लेकिन अभी तक आपको बाल्य लीला में दर्शन नहीं कर पाए, मेरे तो ऊपर थोड़ी सी कृपा करो। शंकर जी कौन है? वैष्णवा नाम जथा संभो, भगवान की बराबर जगत में कोई भगवान की भक्त नहीं। गोस्वामी जी कहते शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर जगत में कौन भगवान की व्रत धारण करने वाले हो? देखना अब शंकर के बगैर कोई लीला ही नहीं होती है। जब त्रेता युग में भगवान राम बन करके आए,
शंकर जी किस रूप में बन करके आए? अरे बोलो, हनुमान बन करके। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से मैं प्रभु का सेवा नहीं कर सकता हूँ, शंकर जी ये हनुमान बन करके प्रभु की सेवकाई करते हैं, इसलिए कहते हैं ना, बोले दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, हर दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना, रावण मरे ना श्री राम के बिना, हर दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। भगवान स्वयं शंकर जी हनुमान रूप में, फिर कृष्ण लीला में, फिर शंकर जी गोपीश्वर बन करके आए प्रभु जी की रास दर्शन करने के लिए, और महाप्रभु लीला में क्या बन करके आए? अरे बोलो, महाप्रभु लीला में कौन बन करके आए? हाँ, एक तो मुरारी गुप्त, और कहते स्वयं सदाशिव रूप में श्री अद्वैत आचार्य रूप में आए। जब उन्होंने अद्वैत आचार्य रूप में आए और उन्होंने जगत का दुर्दशा को देखा, कैसे जी भगवान की भक्ति छोड़ करके कैसे विषय में रमे रह हुए हैं, और रुपया पैसा को कुत्ता कुत्ती शादी की बिल्ला बिल्ली शादी में करोड़ रुपया खर्चा करते, कोई भगवान की भक्ति नहीं करते, इसलिए शंकर स्वयं सदाशिव है। और इन्होंने देखा भगवान को कैसे जगत में मैं ला सका, इसलिए उन्होंने तुलसी दल और गंगा पानी से उन्होंने किसको किया, उन्होंने भगवान को बुलाया। और भगवान कहते हैं, बोले सुतिया अच्छुन खीर समुद्र सागर और निद्रा भंग है लमोर नारार ओंकार, मैं तो सो रहा था गोलोक वृंदावन में हैं, लेकिन ये अद्वैत आचार्य ने क्या किया, मेरे को हिला दिया, इसने मेरे को हिला दिया। इसलिए शंकर जी को तो हर अवतार में आते हैं। शंकर जी बोले, प्रभु एक बार आपका बाल्य रूप का दर्शन करा दो। इतने में शंकर जी बड़े जोर जोर से डम्बर बजाए, अरे कृष्ण जितने सुने उसको कान में पड़े ना, उतना जोर से रोए, चीक चीक करके रो रहे थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन किसी तरह से वो समझ नहीं रहा था, जोर जोर से रो रहे थे। एक गोपी ने बोली, मैया जानते हो वो जो बाबा है ना, वहीं पर बैठा हुआ त्रिशूल गाड़ करके, और लगता है आंख बंद करके तेरे लाला के ऊपर कोई नजर लगा रहा है, कोई जादू टोना कर रहा है, कहते तब तक नहीं जाऊंगा, लाला को दर्शन नहीं कराऊंगे। मैया ने काले कपड़े से ओढ़ करके काला बिंद उन्होंने काजल लगा दी, मोटी मोटी काजल लगा दी, काले कपड़े से ओढ़ करके ले आए। बोले बाबा बड़े अखड़ ले, लाला को दर्शन करे। जब एक बार केवल कृष्ण को दर्शन कराए ना, शंकर तो रो रहे थे, शंकर तो इतने में शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया, कृष्ण रो रहे थे, कृष्ण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लग गए, जोर जोर से कृष्ण हंसने लग गए। जब हंसने लग गए, मैया को पता चला बाबा कुछ जानता है, क्योंकि लाला का रोना को लेकर के अपना हंसना लाला को दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा हाथ देखना जानता है, और कुछ ज्योति देखना घेर जाएंगे, बोले बाबा थोड़ा हाथ देख लो, मेरा क्या भविष्य थोड़ा बता दो। इतने में सबके सब घेरे गए, बोले बाबा तेरे कोई जादू थोड़ा आता है निकलो। हाँ, बोले मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले हाँ। बोले बताओ क्या करना पड़ेगा।
बोले तेरे लाला को जब स्नान कराओगे ना, मैं यहीं पर बैठूंगा, वो जो चरणा मेरे तो मेरे सर पर डाल देना। बोले बाबा और कुछ करना पड़ेगा? बोले और ये के काम करोगे तो लाला के ऊपर नजर ही नहीं लगेगा। बोले बाबा बताई दे। बोले जब लाला को भोजन करवाओगे वो जो बच जाएगा प्लेट में मेरे को दे देना। ये जो बात है ना, ये 5,500 साल की बात है। कितना साल की बात है? जोर से बोला। अगर अभी नंदगांव में जाओगे ना, आप देखना वहां पर जो नंदीश्वर महादेव, यहाँ पर ठाकुर जी का मंदिर, यहीं पर नंदीश्वर महादेव, जब भगवान को स्नान कराते हैं वो जो स्नान जल सीधा शंकर जी की सर पर डालते हैं। बोले क्यों? गंगा है ना, गंगा कौन है? वामन देव का चरणामृत गंगा है। हैं, जब एक चरण पहुंचा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी अभिषेक करके कमंडल में रखे थे, हैं, इसलिए शंकर को सबसे ज्यादा प्यारा किया। बोले भगवान की चरणामृत, आप देखना जो कांवर लोग होते हैं ना, कंधे पर गंगा पानी ले जाते हैं, इसलिए शंकर खुश होते हैं ना। उसको बाद में प्रसाद, जब भगवान को कोई चीज भोग लगता है वो महाप्रसाद प्रसाद हो जाता है, लेकिन वही प्रसाद जब किसी भक्तों को सेवा लगता है वो प्रसाद नहीं महा महा प्रसाद हो जाता है, प्रसाद की महिमा बढ़ जाती है। इसलिए नियम है कभी भी शंकर जी को, देवी को, कभी भी हनुमान जी को कोई चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन कुछ माताएं क्या करती जानती हो? बोले हे हनुमंत लाल जी, अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए ना, सवा मण के लड्डू भोग लगाएंगे और लेकर के हनुमान जी के मुंह में लड्डू घुसाड़ दें। बोले लड्डू का क्या, हनुमान जी भूखे इधर लड्डू के लिए बैठे हुए? एक मण क्या, 1,000 मण भी लगा दो ना, हनुमान जी उसको तरफ में ताकेंगे भी नहीं, क्योंकि जब राम दरबार लगता है हनुमान जी कहाँ बैठे हुए होते हैं? बताओ कहाँ बैठे हुए? चरण में बैठे हुए होते हैं। जब तक भगवान राम नहीं ले, मैया जानकी नहीं लेना, हनुमान एक बूंद भी तुम्हारी लड्डू खाने वाले नहीं। इसलिए अगर खिलाना तो सबसे पहले क्या करो, ठाकुर जी को दो, फिर वो प्रसाद दो। उसी तरह जो माता, वो वैष्णवी है, वो वैष्णवी जी माता है, माता जी गले में देखो ना, तुलसी कंठी माता जी गले में पहना हुआ है। हैं, कभी जाओगे तो देखोगे वहां पर माता जी गले में तुलसी कंठी है वहां पर। बोले एक समय कोई निम्बार्क संप्रदाय का संत, वो वैष्णवी देवी को दर्शन के लिए गए, उनको नीचे रह गए धर्मशाला में, सवेरे उनका दर्शन करेंगे। पहले वहां भैंस बकरी बलि चढ़ती थी, सवेरे होते ही मैं भैं भैं आवाज हुई। उनने बोले भैया इस आवाज कहाँ से आ रही है? बोले माता जी को पास में बलि चढ़ती। बोले माता जी के पास में बलि? अरे माता जी मतलब क्या, क्या इंसान की माता जी बकरी भैंस की माता जी नहीं है? माता जी मतलब सबकी माता जी। माता जी कभी बच्चों का खून पी सकती हैं? कभी पी सकती? बताओ, लोग खुद खाने के लिए माता जी का नाम लेकर बलि चढ़ाते हैं। इतने में वो संत बिगड़ गए। बोले चलो यहाँ से, ये माता नहीं, ये चंडी है। ये कौन है? ये चंडी, ये माता जी नहीं है। माता जी होती तो कभी भी ये बलि ग्रहण नहीं करते। उठा बिस्तरा, हम ये चंडी को दर्शन करने नहीं जाएंगे। जब वो संत चलने लगे ना, माँ स्वयं स्वप्न देती है पुजारी को, ए पुजारी उठो उठो जल्दी, वो जो संतों को मना करके ले आओ और उसको बोलो मेरे गले में तुलसी की कंठी पहना है, आज से मैं वैष्णवी देवी बन गई, अगर मेरे सामने कोई बलि चढ़ाएगा तो उसका सब वंश मैं ध्वंस कर दूंगा। ये माँ की आदेश हुई, तब से वहां पर बलि चढ़ना बंद हो गई। इसलिए माता जी वैष्णवी है, हैं? इसलिए वो भगवान की जगन्नाथपुरी में जा करके देखो, उन्होंने कैलाश छोड़ करके जगन्नाथपुरी में बैठी हुई, क्यों? जगन्नाथ जी की प्रसाद ग्रहण करने के लिए। इसलिए कभी भी दूसरे देवा देवी को, शिव पुराण में बताया जो शंकर जी को डायरेक्ट भोग लगा कर खाएगा ना, अगले जीवन में उसका कुत्ता झुंड में जाना पड़ेगा, कुत्ते बनना पड़ेगा। इसलिए कोई भी देवा देवी भगवान की प्रसाद के बगैर कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर कुछ खाना तो पहले कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, सबसे पहले उनको तुलसी पत्ते से भोग लगाओ। भोग लगाने पर प्रसाद हो जाता है, फिर सारे देवा देवी को दो। जगन्नाथपुरी कहीं गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? दो चार। कौन जाना चाहते हाथ उठाओ। अभी इस बार रथ यात्रा आ रहा है ना, सब काम ले चलेंगे, अभी से टिकट बना दो रथ यात्रा के लिए, क्योंकि कहते रथे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, रथ के ऊपर में भगवान को दर्शन करने से फिर पुनर्जन्म जीव को नहीं होता है, हैं? जगन्नाथपुरी में कभी जाओगे अगर भाग्य होगा, देखना बीच में जगन्नाथ जी है, उनकी चारी तरफ में 33 करोड़ देवता बैठे हुए,
जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा करताल लगा, तो छोटा है बहुत बड़ा लगा, और जोर जोर से, आप तो कभी जाओगे तो देखोगे पूरा मंदिर का चारों तरफ में वो घूमेगा। बोले क्यों? वो जितने 33 करोड़ देवता बैठे हैं ना, हैं, उनको बोलते हैं, हे देवताओं, जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है, आप लोग कृपा करके आओ और जगन्नाथ जी का प्रसाद पाओ। वहां पर देवी मैया भी बैठी हुई हैं, उसने तो जगन्नाथ जी को प्रसाद के लिए उसने कैलाश छोड़ करके आ गई केवल प्रसाद खाने के लिए। इसलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद को बाद में माता जी की भोग लगती है, फिर वो प्रसाद नहीं, फिर वो महा महाप्रसाद हो जाती, ठीक है ना। इसलिए अभी भी ब्रज में देखोगे नंदगांव में सारे काम होती हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर प्रेमानंदे हरी, निताई गौर प्रेमानंदे हरी, भजन गौरी लाल भजन ले गए, ले गए इस गाने ले गए, लेकर मेरी भरी मिट्टी क्या ला, और क्या चटकी मटली पे डाल फटाफट एक भजन सुन लो। बोल नंद के लाला की यमुना तट पर पानी भर गई और भूल से किवाड़ को खोल के छोड़ खोली छोड़ के चली गई और ग्वाल वाले मुंह को पाए गए तब ही अखबार वाले को समझ और मैंने भावों मुर्गियों को भी भर गए और कहा कह रही है जो पत्ता खोले I'm gonna make you mine.
आपको कुछ श्लोक सुनाएगा, महाप्रभु का शिक्षा अष्टक है, कुछ अच्छा अच्छा श्लोक इसने याद की है, ये बच्चा आपको कुछ श्लोक सुनाएगा और इसका नाम है क्या? भागवत प्रभु जी। हाँ बोलो। मुंह में पास में तेज कर माइक वाले। हाँ और क्या श्लोक? नाम नाम कार्य बोधने दिव्य शक्ति स्तोत्रमी बुद्धास्मरणे न काला एतादृशि तद्गत प्रभावन नमापे दोपहर में देश में हाथों में नाम लागा और करना का दूसरे से इंतजार और पेशा इसमें हमारे नाम आपने कितने सवारी आई आई नंदतन जा आई नंदतन
ना धनम ना जन गौर प्रेमानंद माइक नीचे रख। देखो ये जो बच्चा है, हाँ ये जो बच्चा अभी जो भाग खड़े इधर, हाँ देखो ये जो बच्चा है, ये जो भागवत कथा करा रहे हैं ना, उनका ही ये बच्चा है। और उसका जो माँ है, खड़े हो जाओ तो दर्शन दे दो, ये इधर उधर उधर घूम करके, ये इनकी माता जी है। हाँ देखो ये भागवत में सुने होंगे, जिस समय भगवान हिरण्यकशिप को भगवान नरसिंह अवतार में वध किया, भगवान बोले कुछ बर मांगो, भगवान बोले कुछ बर मांगो। इतने में जो बोले जो बर मांगो, इस तरफ में देखो, इतने में प्रहलाद महाराज कहते, प्रभु जी मेरे जो पिता बड़े दुष्ट थे, जिंदगी भर आपका द्वेष किया है, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। क्या करो, मेरे पिताजी को उद्धार कर दो। उस समय भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जिसकी औरस से तेरे जैसे बेटा जन्म लिया, तेरे पिता माता की बात क्यों कहते हो। बोले त्रि सप्त भी पिता पुत्र ते तन अनोघा, बोले तुम्हारी तो 21 पीढ़ी तुम्हारी उधार हो गई है, 21 पीढ़ी। कहते कुलम पवित्रम, जिस वंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण करे, वैष्णव होनी चाहिए, इधर उधर नहीं, दीक्षा मंत्र वैष्णव दीक्षा में जो दीक्षित है, बोले कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो जाता है। बोले जननी कितार्था, जो पिता माता उसे जन्म देते हैं, उसको पिता माता की जीवन धन्य हो जाता है। बोले नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितरे साम, जो पूर्वज जो लोग तुम्हारी पहले चले गए, जब देखते हैं वंश में एक बेटा भक्ति करता है, वो नाचना शुरू कर देता है, हैं? इसलिए आप देखना, एक पितर दोष नाम सुने हो, अगर पितर दोष उसको कहते हैं, अगर तुम्हारी पूर्वज लोग चले गए पहले, लेकिन वो प्रसन्न नहीं है, देखना घर में भले ही जितने रुपया, कहाँ जा रहे उधर खड़े, इसलिए भले ही घर में जितने रुपया पैसा धन दौलत क्यों नहीं हो, देखना घर में शांति सुख नहीं मिलता, क्यों, तुम्हारी पितर जो दोष है वो पितर दोष है, वो संतुष्ट नहीं। लेकिन वो पितर दोष खत्म कब होता है, जब भगवान की कोई भजन करता है। इसलिए पुराण में कथा आई, एक समय नरक में एक व्यक्ति को पकड़ करके उसको टाटी पे सब का कुंड में डूबो रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति जोर जोर से हा 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 करते हंस रहा था। बोले भैया तेरे को दंड दे रहे, तू हंस रहे क्यों। बोले आज जो करना कर लो, कल से नहीं कर सकते। बोले क्यों। बोले हमारी वंश से एक व्यक्ति काले वैष्णव बनेगा और तिलम कंडी धारण करते हुए वो भगवान की भक्ति करेगा, इसलिए कल उल्टा मेरे को तुमको प्रणाम करना पड़ेगा, जो करना आज कर लो। इसलिए अगर हम वैष्णव मंत्र में दीक्षा नहीं लेते हैं, पूर्वजों का उद्धार नहीं होता है। कल कथा सुन रहे थे ना, क्या कथा सुना था, पत्नी ने नारद जी से दीक्षा मंत्र लिया, गले में तुलसी कंठी तिलक पवनी, दूसरे जीवन में क्या बनकर जन्म हुई, अरे बोलो सुने कि नहीं, कल राजकुमारी बनकर के जन्म हुई। लेकिन पति ने दीक्षा मंत्र नहीं लिया तो क्या जन्म लिया उसको, हाथी बनकर के जन्म लेना पड़ेगा। मैं नहीं, ये शंकर जी कहते पार्वती को, बोले पार्वती हा पशु जो नींग अपनुआत, अगर कोई गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, अगली जीवन में उसको जानवर जीवन में जाना पड़ेगा, उसको पशु योनि प्राप्त करना पड़ेगा। शंकर स्वयं कहते हैं, भैया अगर पशु बनना नहीं चाहते तो दीक्षा मंत्र लेकर भजन करो। इसलिए कल कर सो, आज करो, आज कर सो अब, ठीक है ना। उसने लेट कर दिया ना, कुछ प्रपंच लोग दिमाग घुमा दिया, बोले अभी क्या दीक्षा मंत्र रूचा क्या मर रहे हो, इतने जल्दी करने का क्या जरूरत है, बस किसी तरह से मरा तो अगले जीवन में पशु योनि में गए।
इसलिए यहाँ पर कहते हैं वसुंधरा बसतिस्त धन्या, जिस पृथ्वी के ऊपर में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाता है जिसके घर में कोई एक वैष्णव जन्म ग्रहण करे हैं। इतने महत्व जब घर में बच्चे भगवान की भक्ति करते हैं, अगर बच्चे भक्ति नहीं करे तो फिर क्या होगा? देखो ये पुरानी कथा है, अच्छी तरह से सुनो। बोले एक समय कोई एक जोगी पहुंचा स्वर्ग में। एक व्यक्ति बहुत पैसा कमा करके बहुत दान पुण्य किया था, इसलिए वो स्वर्ग गया, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ और उसको अप्सरिया चामर व्यंजन कर रही थी, लेकिन वो स्वर्ग में बैठ बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। जोगी ने कहा, भैया तुमने इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए, यहाँ रो रहे हैं क्यों? देखो क्या कहता है। बोले मेरे से की गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने दान पुण्य किया स्वर्ग में आए, लेकिन मैंने बच्चों को भजन में नहीं लगाया, और जो मैं पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उससे शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, उसी पैसा से ये सब गलत काम कर रहे हैं। चूंकि पैसा मैंने ही कमा करके रख करके आया था, मेरे पैसा को गलत काम पर लगा रहे हैं, उसका पाप भी मेरे को स्वर्ग में नहीं छोड़ रहा है, स्वर्ग में भी पाप नहीं छोड़ रहा है। अगर इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, देखो ध्यान देकर सुना, अगर किसको बोलो थोड़ा भजन के लिए कि ना, बोले समय कहाँ है? बोले क्यों नहीं? बोले बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाना ना, ये हमारे बड़े गुरु जी कहते थे। बोले बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमा कर रखो। बोले क्यों? बोले वो होनार होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक ही बनेगा ना, जितने पैसा तुम कमा करके जा रहे हो जुआ खेल करके, शराब पी करके, मांस खा करके, सारे पैसा को तसनस कर देगा, बर्बाद कर देगा। आप लोग सब जानते हो शाहरुख खान का नाम, सुने हो शाहरुख खान का नाम, उसका बेटा कैसे निकला? ऐसे नालायक निकला, सब जगह में उसको मकान था, सब बेच बाच कर शराब पी पा करके सारे सत्यानाश कर दिया उसका बेटा, सारे पैसा को सत्यानाश कर दिया उसका बेटा। आप लोग ज्यादा जान सुने होंगे, इसलिए गुरुदेव कहते थे, भैया समय निकालो तो माला के लिए समय निकालो, हरि नाम के लिए समय निकालो, जो तुम्हारी साथ में जाएगा। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने हाँ, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपना यो। पायो जी मैंने, बोले चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सबायो। पायो जी मैंने हाँ, इसलिए हरिनाम लेकर हरिनाम करो, जब तक पिता माता खुद भजन नहीं करेंगे ना, बेटा भजन करेगा? माँ दिन भर स्मार्ट फोन लेकर पड़ी हुई, दिन भर टीवी देखती है, बोलेगा बेटा को हरिनाम करो, करेगा बेटा कभी? करेगा? बोलो पहला गुरु कौन है? माँ। अभी वो माँ खड़ी हुई थी ना, खड़ी हो जाओ, पर इसके माँ को देख लो। नहीं, आपको शिक्षा देने के लिए बता रहा हूँ, क्यों ये बच्चा देखो गले में कंठी, ये माला झोली और धोती पहना है, क्यों? देख लो उसकी मैया को, तिलक लगाए, गले में कंठी, जो भागवत कथा ये लोग करवा रहे, इनके ताली बजाओ इनके लिए जमसे। ये इसने ये जो श्लोक बच्चों को सिखाया ना, इसी ने ही बच्चों को श्लोक इसने ही सिखाया। मैंने जयपुर में गया था कथा करने के लिए, मैं आ रहा था, देखा एक छोटा बच्चा है, ये पतंग उड़ा रहा था। मैंने पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? उसने जब नाम, इधर देखो, उसने जब नाम बताया ना, इससे पता चला ये मुसलमान का बेटा है। मैंने कहा, बेटा तेरे को कुरान आता है? उसने छाती फुला करके कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, भैया कितने साल उम्र से तुमको कुरान सिखाई जाती मुसलमान में? बोले हमारे धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में कुरान पढ़ाया जाएगा, 2 साल कंपलसरी है। आप तो दिल्ली में रहते हो, लेकिन ना शुक्रवार का दिन मुसलमान लोग बच्चे को टोपी पहना करके मेन रोड को जाम कर देते कि नहीं? यहाँ पर कौन ऐसे हिंदू है जो बच्चे को बोलते हैं दोपहर रामायण पर, नहीं तो गीता पर, नहीं तो भागवत पर, कोई बोलते हो? स्मार्टफोन पकड़ा देंगे, 20-25 हजार 30 हजार पबजी देख, कार्टून देख, कभी बोलते हो हरिनाम कर तुम कभी बच्चे को? बच्चा देना बड़ी बार बात नहीं है, उसको इंसान बनना बड़ी भारी बात है। आप बताओ गांधार के कितने बेटे थे? अरे बोलो, सब नालायक निकले, सब नालायक। बताओ कुंती के कितने बेटे थे?
पंच पांडव है भागवत में जिनका नाम लिखी गई, इसलिए भागवत बताता है बुरा मत। भागवत कहता है श्लोक अवैष्णव सतपुत्रा जननी सुकरी समा, अगर तुमने 100 बेटे भी जन्म दिया भजन नहीं किया तो सुअरी जैसे जन्म बच्चे देती हैं, सुअरी जैसे कभी जिधर पुत्र उधर ही मूत्र निकलता है। अगर भजन नहीं करे तो वो मूत्र है और भजन करे तो वो पुत्र है, वो पुत्र है नहीं तो मूत्र है। इसलिए आपने सुना होगा कहते हैं लक्ष्मण का नाम सुने हो, राम लक्ष्मण, जब राम सीता जब वनवास जा रहे थे सीताराम, लक्ष्मण अपना माँ सुमित्रा के पास में आई, बोले माँ मेरे को आदेश दे दे भाभी भैया की सेवा के लिए जाऊं। देखो ये सुमित्रा कहती है, हिंदी समझती हो, कौन कौन हिंदी समझती हो, देखो ये प्यार है, कहते पुत्र बति जो पति जग सोई रघुपति भक्ति जासो सोत होई, सुमित्रा कह रही है। इसमें कहते हैं देखो सुन क्या बोलते हैं, बोले पुत्र बति जुबती जग सोई, हिंदी समझ गए, उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थकता है। बोले किसी माँ को, बोले रघुपति भक्ति जासूसुत होई, अगर तुम्हारी बेटा राम की भक्त बना तो तभी तुम्हारी पुत्र देना सार्थक। दूसरी लाइन में कहती है अगर तुमने बेटे को भजन में नहीं लगा पाई, सुमित्रा कहती है बांझ रहो, क्या कहती है बांझ रहो, बच्चे जन्म मत दो, क्यों इसी जीवन में इतने कष्ट भोगोगे, अरे बच्चे जब नालायकी हो गए गलत काम करेंगे फिर नर्क भोग कर उसके लिए नर्क जा, फिर भैया क्यों इतना नर्क जाओगे, इतने गर्भ में धारण करोगे 9 महीना तक, मुंह की खाना निकाल कर खिलाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, फिर नर्क जाओगे फिर। इसलिए सुमित्रा कहती हैं तब भी बच्चे जन्म दो, अगर बच्चे को भजन में लगा पाई तो, नहीं तो कहती है पुत्र मत जन्म दो, बांझ बनकर रह जाओ। लेकिन पुत्र कब भजन करेगा, जब माँ सबसे पहले भजन करे, पिता स्वयं भजन करे तभी बच्चा भजन करेगा, नहीं तो भले ही जितने बच्चे को बोल दो हरि नाम कर भजन करो करेगा नहीं, क्योंकि पहला गुरु तो माँ है, वो माँ को देखकर ही बच्चा सीखता है। देखो इतने कम उम्र में माला लगा क्यों घूम रहा है, ये गले में कंठी तिलक लगा कर क्यों घूम रहा है, कारण है उसकी मैया भजन करती है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब हरिनाम लेकर के, लेट नहीं करके हरिनाम लो, लेकर हरिनाम करो, जिस घर में पूरा परिवार भजन करते ना वही घर ही वृंदावन है, वही घर वृंदावन, वही घर है वृंदावन, वृंदावन और कहीं नहीं है। ये मत समझो वृंदावन गए तो वृंदावन हो गया, चोर डाकू बदमाश भी वहां रहते हैं, बांके बिहार में जाओ पकेट में पैसा ना घूम कर गया तो पकेट खा ली, वहां पर भी चोर रहते हैं, वो क्या ब्रजवास कर रहे हैं। अगर हम घर में रह करके भजन करते तो वही घर ही तुम्हारी वृंदावन धाम, ठीक है ना। अपना घर को वृंदावन धाम बनाओ और भगवान की भजन करते हुए सुखी में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ हमारे बीच में हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ से एक बाबा है, क्या नाम बाबा आपका, क्या नाम है, देव प्रभु जी, प्रेम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आप 10 मिनट थोड़ा कथा सुनाएंगे, 10 मिनट सुना प्रभु जी को माइक दे दो, तो ले लो लो ये माइक लो प्रभु, गुरु जी ने मेरा नाम दिया है परमानंद दास, वैसे संसारिक नाम माता पिता ने दिया थे, तो मठ में ज्यादातर सब लोग प्रेम नाम से ही कहते हैं, और महाप्रभु के किस प्रेम ही देने हैं, तो नाम होने से ही प्रेम और भक्ति नहीं मिलती है, लक्षणों द्वारा मिलती है। तो गुरु वैष्णव भगवान तीने रे स्मरण, तीने रे स्मरण है विघन विनाशन, अनाया से है निज वांछित पूर्ण, वांछा कल्पतरु भरिष्ठ कृपा सिंधु भैरव, पति तानम पामने भयो वैष्णव वैभव नमो। देखिए मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं कोई हरि कथा कर सकूं, मैं तो खुद सीग्राम महाराज की दीनता है, तो श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जो भजन गीति है और हरेक मठ की अपनी भजन गीति है जो गुरु परंपरा के तहत
श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के तहत जो धारा है, ये नरोत्तम ठाकुर परिवार है, तो गुरु जी से हम प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दो मिनट। गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बड़ा सुख पूर्वक हरि नाम हो, प्रेम पूर्वक हरि नाम हो, आनंद पूर्वक हरि नाम हो, और मेरे जो पाप दोष अपराध खत्म हो जाए। अब गुरु महाराज जी तो सभी शिष्यों से प्यार करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जिज्ञासा जो ऐसे प्रश्न उत्तर करके हम आपस में चर्चा करते हैं, इससे क्या होता है, मन के भाव प्रकट होते हैं। तो गुरु महाराज जी देखते हैं कि किसको शक्ति संचालित की जाए, तो कोई तो क्राइटेरिया होगा, कोई तो मापदंड होगा, कोई तो पैरामीटर होगा। प्रार्थना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किसकी प्रार्थना? कहते हैं भगवान कृष्ण के नित्य दास तो हैं, पहले तो गुरु जी के नित्य दास बने। तो गुरु महाराज जी किसकी प्रार्थना सुनते हैं कि शक्ति संचालित होती है, अपराध खत्म होते हैं, सुख पूर्वक हरि नाम होता है, वो किसका होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। वो जो हरि नाम सुख पूर्वक आनंद पूर्वक होता है, सकल समान गलित शक्ति, जब तक सभी जीवों का यथा योग्य सम्मान नहीं किया जाएगा, तब तक गुरु महाराज जी शक्ति संचालित है। वो देखते हैं यहाँ पे अब स्वार्थ भावना रखी जा रही है, यहाँ फेर मेर किया जा रहा है, यहाँ चित्र रूपी दर्पण, जो महाप्रभु पहला श्लोक जो भागवत ने बोला कि चित्र रूपी दर्पण महाप्रभु कह रहे हैं कि वो साफ होने, तो चित्र रूपी दर्पण साफ होगा तभी तो तेर मेर ये हटेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु महाराज जी के निर्देशानुसार, गुरु महाराज जी के आदेशानुसार, गुरु महाराज जी के उपदेशानुसार जब हम जीवन यापन करेंगे, तो मैं एक छोटी सी बात अपने गुरु महाराज जी की, जय नित्य लीला प्रविष्ट हो स्वार परमहंसो दशमशील भक्ति वल्लभ तीर्थ स्वामी गुरु महाराज जी की बात को स्मरण करते हुए, गुरु महाराज जी कहते हैं भजन, हरि भजन कब प्राणहीन होता है, ये दूसरा प्रश्न है आपके। कब महाराज जी जो श्रीमद भागवत कथा कर रहे हैं, चारों वेद दधी भागवत नवनीत मथी लेन सुखदेव बधु आई लेन परीक्षित, इसका जो सार है, जब महाप्रभु गया यात्रा चले गए, जब उनके गुरु जी के दर्शन हुए, जब नित्यानंद गुरु जी को गुरु जी के दर्शन हुए मातृंद्रपुरी पाल जी के, कहते तब ये जो मेरी यात्रा है सफल हुई है। यानी कि जो व्यक्ति, जो साधक गुरु जी के कहने के अनुसार चल रहा है या प्रयास कर रहा है, उसका जन्म सफल है, 100% वो गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया कि जिस घर में भजन होता है, जिस घर में हरि नाम होता है, जो घर पवित्र क्या वो तो गोलोक वृंदावन धाम बन जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु की बात याद रखते हुए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्णा मेरे शब्दे बहु अर्थ ना जानी, श्याम सुंदर यशोदा नंदन नहीं मात्र जानी। तो महाराज जी, हमारे गुरु जी ने श्री चैतन्य गौड़ीयमठ पहाड़ शाखा को, जो श्री विग्रह को प्रतिष्ठित किया, उसका नाम दिया श्री श्री गुरु गोरंग श्री राधा श्याम सुंदर जी। वो पहला मठ उन्होंने दिल्ली में ही बनाया था, उससे पहले हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं, जो जय नित्य लीला प्रविष्ट ओंकार परमहंसो दशमशील भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी, जिन्होंने सारी मठों की शाखाएं बनाई, तो पहली हमारे गुरु जी ने ये बनाई। और हमारे परम गुरु जी महाराज जी के जो हाथ थे आजान नीचे, दिखने में इतने सुंदर, अगर गुरु महिमा भक्त महिमा नहीं बोलेंगे तो हमारी भागवत कथा सुनना सार्थक नहीं होगा। तो गुरु जी की वैष्णो की, कहते हैं दो दिन पड़ा है यहाँ मुगर,
फिर सच्चे घर जाएगा। उस गोलोक धाम में जाने के लिए गुरु जी ने जो हमें संध्या करने का बताया है, ये करनी है, हरि नाम करना है, निष्कपट होके चलना है, सरल रहना है, किसी में भेदभाव नहीं रखना है, सबसे प्यार करने की कोशिश करनी है। आप देखिए, अभी महाराज जी ने बताया ब्रह्मांडों का मालिक, नंद गांव की कथा सुनाते हुए, ब्रह्मांडों का मालिक जो है उसको शंकर जी मिलने आए हैं, हैं, और उनको डर लग रहा है। तो ब्रह्मांडों का मालिक है जो है, आपके भी माता पिता वही है, मेरे भी माता पिता वही है, जो व्यक्ति भजन करता है उसके भी माता पिता वही है, जो भजन नहीं करता उसके भी माता पिता वही है। तो हमारा संबंध क्या हुआ आपस में, सभी जीवों का आपस में क्या हुआ, भाई और बहन का। जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी तो प्यार उमड़ेगा, जब मेरे को पता लगेगा मेरा भाई है। हम यहां से जैसे मठ से निकले सीधा गए, एक राइट मुड़ा एक लेफ्ट, और राइट में खंबे की तारे निकली हैं और कोई व्यक्ति मर भी गया और मेरे को पता है, तो क्या मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कि आपके आज राइट से मुड़ना लेफ्ट से जाना, वहां खंबे की तारे हैं आप उसमें निपट जाओ। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं, जो महाराज जी होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो प्योर डिवोटी होते हैं, वो क्रीम निकाल निकाल के, सार निकाल निकाल के, मंथन कर करके, रातें काली कर करके, विचार करके शॉर्ट में आपको समझाना चाहते हैं कि आपका जन्म कैसे सफल होगा। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रभु कहे प्रभु कहे, जो चैतन्य महाप्रभु जब बोलते हैं प्रभु हे आज्ञा भाई मांगी ये भिक्षा, क्या मांगना है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। इसलिए कृष्ण के लिए जीवन देना है। और परसों एक लेख आया था जय नित्य लीला परिष्ठ परम श्री भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी का, काशी वर्त चोपड़ा काशी कही है, कितनी महिमा थी, लिखा कि अगर अपना जीवन दाव पे भी लगाना पड़ जाए तो भी काशी वर्त नहीं छोड़ता, यानी कि प्राण चले जाए अगर तो भी काशी वर्त, तो भी हरि भजन नहीं छोड़ता। वंचा कल पत्रु भ्रष्ट है कृपा सिंधु ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग पीछे बैठे हैं कुछ कारण से बोल नहीं पाए, एक बार फिर से भगवान स्वरूप दे रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर सभी जोर से बोलिए कि भगवान नाम लेने से किसी का अकल्याण नहीं होगा, कोई घाटा नहीं होगा, कुछ नुकसान हो तो हमसे ले जाना, हम यही बैठे हैं। हाथ उठाकर सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मम परमानंदतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत अभिन्न गुरुपाद पद्म परमानंदतम भक्ति वेदांत श्रीवान महाराज, श्री भक्ति वेदांत श्री पद्मनाभ महाराज, परम गुरुदेव वर्ग, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों मेरा असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। गुरुदेव का आदेश हुआ है भगवान कृष्ण की कुछ मधुर लीलाएं वर्णन करने के लिए। यद्यपि भागवतम तो रसमय है ही, भागवतम को बतलाया रसमालय, लेकिन तब पर भी उसमें भगवान कृष्ण की दशम स्कंद के अंदर जो लीलाएं वर्णन है बड़ी मधुर मधुर लीलाएं,
अभी हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण बड़े होते हैं धीरे धीरे और उस समय पर पहले उन्होंने असुरों को मारण किया उतना शक्टासुर तृणावत और धीरे धीरे प्रभु जब और बड़े हुए तो अभी घुटनों पर चलने लगे। घुटनों पर चलते चलते एक दिन कृष्ण ने विचार किया कि ये चौपट के बाहर में घुटमन घुटमन चलते और चला जाऊंगा। तब कृष्ण जब अपने घुटनों पे चल रहे हैं रेंगते रेंगते चक्रवर्ती की बात कहते हैं जैसे एक सांप रेंगता रेंगता चलता है ऐसे ही आज कृष्ण रेंगते रेंगते और चौपट पार करना चाह रहे हैं। लेकिन पहले के समय में तो चौपट बड़ी ऊंची होती थी तो इसलिए कृष्ण जैसे ही चौपट पे आए हैं आधा शरीर अभी चौपट के बाहर है पेट के बल पे चौपट पे अटके हुए हैं आधा शरीर चौपट के बाहर और आधा शरीर पीछे रह गया है और प्रभु इतने असहाय हो गए हैं कि आज चौपट पार नहीं कर पा रहे इतने बलहीन हो गए हैं। नारद जी यही सब को देखकर और आकाश मार्ग से ऋषि के साथ में भृगु ऋषि के साथ में दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते मन ही मन हंस रहे थे। हंसने के बाद में फिर कुछ देर क्रंदन करने लगे। ऋषि प्रश्न करने लगे कि नारद जी आप पहले तो हंस रहे थे और अभी वापस क्रंदन कर रहे हो ऐसा क्यों। नारद जी कहते हैं कि आज अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो सबको बल प्रदान करता है श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं न केवलम में भवतश्च राजन सवे बलम बलिनाम चापरेशम अपने पिताजी को कहते हैं कि हे पिताजी आपने जिससे बल प्राप्त किया है वो तो ब्रह्मा जी है लेकिन ब्रह्मा जी को भी बल प्रदान करने वाले मेरे प्रभु हैं वो ही सबको बल प्रदान करते हैं इसीलिए सब बलवान हैं। आज वही बलवान प्रभु इतने बलहीन हो गए हैं कि एक चौपट को पार नहीं कर पा रहे और यही विचार कर करके प्रभु की सुंदर लीलाओं को दर्शन करके मेरे मन में उल्लास हो रहा है इसलिए मैं हंसने लगा। प्रश्न करते हैं कि फिर आप रोने क्यों लगे आप क्रंदन क्यों कर रहे हैं आंखें भर क्यों आई। मैं ज्ञानियों के दुर्भाग्य को स्मरण कर करके और रो रहा हूं। जो लोग भगवान का रूप नहीं मानते भगवान को निर्गुण निर्विकार मानते हैं ऐसे दुर्भाग्यों का क्या उनका कपाल है क्या उनका कपाल है कि भगवान के भजन में नियुक्त नहीं होते भगवान को निराकार मान रहे हैं ऐसे लोगों की क्या गति होगी। यही विचार कर करके और मेरी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। एक समय मैया यशोदा ने कृष्ण और बलराम को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया लेकिन कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जब भी ब्रज में कोई असुर आए या जब भी मेरे ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है मैया यशोदा मुझे गौमूत्र से स्नान करवाती है गोबर का लेप करती है गाय के पूंछ से झाड़ा लगाती है अरे आखिर इस गौमूत्र गोबर में है क्या जरा जाकर देखो तो सही। इसीलिए कृष्ण बलराम ने क्या किया आज आए हैं गौशाला में आके और अपने पूरे शरीर पर गोबर गौमूत्र लगा लिया और पूरे शरीर में गोबर लगाकर वहां आवृत करके बैठे हुए हैं। मैया यशोदा मनी मन विचार कर रही है कि अभी तो दोनों बच्चे यहीं थे कहां चले गए। खोज करती करती आई है बोले कलुआ बलुआ तुम कहां हो। बोले मैया हम यहां हैं। मैया अन्वेषण करती करती आई है गौशाला में देखा दोनों बालक गोबर से पूरे शरीर को लपेट कर पूरे आवृत करके और बैठे हुए हैं। मैया मनी मन क्रोधित भी हो रही है और हंसी भी आ रही है। बोले अभी मैंने दोनों को स्नान करवा के नए अलंकार पहना के सुंदर वस्त्र पहना के और श्रृंगार किया था और दोनों ने अपने शरीर पर गोबर लगा लिया। मैया प्रश्न करती है अरे क्या तो पूर्वजन्म में शुकर था क्या शुकर की भांति पूरे शरीर को गोबर से आवृत कर लिया है। श्री कर्णपुर कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं पंकाभिसत्त सकला वयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं शूकरोऽसि गतजन्मनि पूत नारे इत्युक्त संस्मित मुखो अवतनो मुरारे। कहते हैं त्वं शूकरोऽसि गतजन्मनि पूत नारे अरे क्या पूर्व जन्म में तू शूकर था हे पूतना के अरि हे पूतना के मारक क्या पूर्व जन्म में तू शूकर था। कृष्ण बलदाव की तरफ देख रहे हैं बोले दाव भैया लगता है मैया हमको ठीक पहचान रही है अरे मैंने ही तो वरा रूप धारण करके और पृथ्वी को उत्तरण करके हिरण्याक्ष का वध किया था मैया ने हमको ठीक पहचान लिया है। इस तरह से कृष्ण ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करके ब्रज में विद्यमान है। एक समय पर कृष्ण विचार कर रहे हैं कि जो भी कोई ब्रज में आए सोचता है जैसे उद्धव जी हम आगे जाके श्रवण करेंगे उद्धव जी जब ब्रज में आए प्रार्थना कर रहे हैं वंदे नंद ब्रजस्त्रीनाम पाद रेणु अपेक्षण ब्रज की धूलि की सब महिमा गाते हैं आपने एक भजन भी सुना होगा
राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए राधे मेरे नाम पर तुझसे झूठ झूठ शिकायत कर दी है।
मैंने मिट्टी नहीं खाई। कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, अगर पूरे आत्मविश्वास से मैं झूठ बोलूंगा तो मैया मेरी झूठ पर भी विश्वास कर लेगी। बोले मैया नाहम भक्षितवानम् सर्वे मिथ्याभिसंशयिनः। अरे माँ ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। बोले हाँ बेटा तू ये हरिश्चंद्र मेरे यहाँ आया है और सभी तो ब्रजवासी बच्चे झूठे हैं लेकिन तू सत्य कह रहा है। बोले यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम में मुखम। अरे विश्वास नहीं करती हो तो मेरा मुंह खोल के देख लो। इतना कृष्ण वहां पर कॉन्फिडेंस दिखा रहे। बोले मैया अरे मिट्टी खाई होगी तो इस मुख से ही खाई ना, मुख खोल कर देख लो। मैया कहने लगी बोले दिखाओ। कृष्ण आप उस समय पे फंस गए। कृष्ण मनी में जैसे चोर होता है ना, चोर चोरी करके यदि जा रहा हो पकड़ लिया किसी ने तो उसी समय पर क्या करता है छिपाने की कोशिश करता है। कृष्ण भी उसी समय में मुंह में तो मिट्टी है इसीलिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी को गटकने की चेष्टा कर रहे हैं। मैया कहती मुंह खोल लेकिन कृष्ण मुंह नहीं खोल रहे। मैया ने उसी समय पर क्रोधित होकर जो एक धमक लगाई है कृष्ण का तो मुख खुल गया और मुख खुलते ही अभी कृष्ण के मुंह में मिट्टी है। मिट्टी है कि नहीं, मिट्टी खाई कृष्ण ने। अभी अगर मैया ने कृष्ण के मुंह में मिट्टी देख ली तो सारे डंडे पीठ पे पड़ेंगे। अभी कृष्ण चाहते हैं कि मैया मुझे ना मारे, मैया मुझे ना मारे। इसीलिए देखो कृष्ण की लीला शक्ति ने उसी समय पर उपस्थित होकर क्या किया। बोले कृष्ण के मुख से वो सारी मिट्टी हटा दी और मैया उसी समय पर देख रही है अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, कितने ग्रह नक्षत्र समस्त ब्रह्मांड कृष्ण के उस छोटे से मुख के अंदर। मैया ने स्वयं को भी कृष्ण के शासन करते हुए वही ब्रह्मांड घाट के ऊपर उसी छोटे से मुख के अंदर देख लिया। जब मैया ने ऐसा भयानक दृश्य देखा मनी मन विचार कर रही है कि मेरे लाला को कोई भूत प्रेत कोई अलाई बलाई तो नहीं लग गई, अरे छोटे से मुख के अंदर ये मैं क्या देख रही हूँ। हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई, कृष्ण ने यही तो कहा ना, लेकिन मिट्टी तो खाई थी कि नहीं खाई थी ना। अगर भगवान होकर वो झूठ बोल रहे हैं तो फिर भगवान से शिक्षा लेने वाले तो सभी लोग झूठ बोलेंगे ही। भगवान ने तो मानो सभी को लाइसेंस दे दिया है कि नहीं। भगवान जब देवकी के गर्भ में आए थे समस्त देवता स्तुति कर रहे हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यश्च योनि सत्य सत्य करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आज वही सत्य स्वरूप प्रभु झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। तब इसका स्पष्टीकरण देते हैं। देखो कृष्ण कहते हैं नाहम भक्षितवानम् वा, मतलब अगर इसकी संधि ना करो, ये संस्कृत है, कहते हैं ना अहम भक्षितवानम् वा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले खाना किसको कहते हैं। अगर मुझसे कोई वस्तु पृथक हो, समझने की चेष्टा कीजिएगा, एक सेब यहाँ पर रखा है, मेरे से अलग है वो सेब, मैंने उठाकर उसे खाया तभी तो उसे खाना कहेंगे, तभी तो खाना कहेंगे। तो कृष्ण के तो उधर में ही अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है, कृष्ण के इसमें तो कोई पृथक वस्तु है नहीं, इसलिए कृष्ण ने अगर मिट्टी भी खाई तो क्या उसे खाना कहेंगे, उसे खाना नहीं कहेंगे। दूसरे बात कहते हैं कि कृष्ण की ये नर्वत लीला है, ये कृष्ण की बाल लीला है, ये नर्वत लीला है। कृष्ण अभी एक छोटे बच्चे हैं और बच्चे माँ के भय से मानो कभी झूठ भी बोल देते हैं तो उसे झूठ नहीं माना जाएगा। ये कृष्ण एक केवल मात्र नर्वत लीला कर रहे हैं। और तीसरा रीजन यहाँ पर कहते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं ना हम भक्षितवानम् वा, अर्थात यदि उसे संधि करते तब तो हो जाएगा ना अहम मैंने नहीं खाई, लेकिन अगर संधि नहीं करे तब होगा ना हम। ना हम का अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तुम ये मिट्टी की क्या बात कर रही हो, मैंने तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को खा रखा है, अपने मुख में विराजमान कर रखा है, अभी यदि नहीं मानती हो तो खोल देता हूँ मुख देख लो। कृष्ण उसी समय पर मुख खोल कर दिखा दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अभी कृष्ण भयभीत हो रहे हैं कि मैया यद्यपि अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड मेरे मुख में देख लिया लेकिन देखकर भी मुझे कहीं भगवान ना मानने लगे। मैया कृष्ण को विचार कर रही है कि ये कोई आई बलाई लग गई, कोई भूत लगा है या कहीं मेरा बेटा भगवान तो नहीं। अभी कृष्ण की लीला शक्ति ने क्या किया, उसी समय पर उस अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अदृश्य कर दिया। क्योंकि भगवान तो लीला करने में व्यस्त रहते हैं। श्री कबीरा गोस्वामी वर्णन करते हैं लीला वेशे प्रभुर नाही देह अनुसंधान इच्छा जानी योग माया करे समाधान। अरे भगवान तो लीला करने में अत्यंत व्यस्त हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार लीला शक्ति समस्त समाधान कर देती है। जब कृष्ण की इच्छा थी
कि मैया मुझे ना मारे तो इसलिए मिट्टी अदृश्य कर दी, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। आज कृष्ण की इच्छा है कि मैया मुझे भगवान ना माने, इसीलिए वापस अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को अदृश्य करके मैया देख रही कि भाई तू छोटा सा मुख, भाई मेरे लाला का छोटा सा मुख है, उसके अंदर मिट्टी भी नहीं, बेवजह ही सखा इन लोग सब मिथ्या ही बोल रहे थे। कृष्ण को तो उसी समय में मैया ने आलिंगन करके और अपनी गोद में ले लिया है। यहाँ पर हमारे टीकाकार कहते हैं कि देखो कृष्ण का इतना ऐश्वर्य प्रकाशित करने पर भी मैया भयभीत नहीं हुई। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत के अंदर भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया था ना, गीता ज्ञान देते वक्त प्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया। जैसे ही कृष्ण के उस विराट रूप का अर्जुन ने दर्शन किया है, अर्जुन भयभीत हो गया, भयभीत होकर चरणों में गिर गया और प्रार्थना हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु मैंने क्या आपको कभी सखा कहा, आपके एक साथ में एक ही शैया पर मैंने शयन किया, आपके साथ मित्रवत व्यवहार किया, आपको अपना झूठा तक खिलाया, लेकिन आप तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। अरे अर्जुन का वो प्रेम कहां गया, कहां गया वो सखा भाव? कृष्ण का किंचित मात्र ऐश्वर्य दर्शन करने से ही पूरा सखा भाव, पूरा बंधुवत भाव शिथिल हो गया, नीचे आ गया। लेकिन वहीं पर मैया को कृष्ण ने उस छोटे से मुख के अंदर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन तब पर भी मैया का प्रेम शिथिल नहीं हुआ। मैया क्या सोच रही है कि मेरे बच्चे को भूत लग गया, कोई आई बलाई लग गई, इसीलिए इसको झाड़ा लगाना पड़ेगा। मैया का वात्सल्य यद्यपि और वर्धित हो गया है। उदाहरण देकर बताते हैं, जैसे कोई बहुत बड़े पात्र में दूध बॉइल हो रहा हो, दूध उबल रहा हो, उबलते उबलते यदि उसके अंदर कोई एक तिनका गिर जाए तो वो तिनका देखेंगे बीच बीच में कहीं पर दृश्य होगा, बॉइल होते होते बहुत ज्यादा दूध है, कभी कभी वो तिनका ऊपर आकर दिखाई दे जाएगा, नहीं तो हमेशा दिखेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार कृष्ण ब्रज में माधुर्य लीला करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, लेकिन उनका ऐश्वर्य किंचित मात्र प्रकाशित होने पर भी ब्रजवासियों को प्रभावित नहीं करता। ये है रागमयी भक्ति, ये है रागमयी भक्ति, ये है ब्रजवासियों की भक्ति, जो ऐश्वर्य दर्शन करने पर भी कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और वर्धित कर देती है। यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यद्यपि हमारी भक्ति जो हम साधन भक्ति कर रहे हैं उसका लक्ष्य वही है, लेकिन चेष्टा जो प्रारंभ करनी होगी वो यही से आरो गुरु पदाश्रय। हम जो 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण लीलाओं को श्रवण करने का उद्देश्य यही है। भगवान स्वयं कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थिता भजते द्वादशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। अरे अगर इन सुंदर सुंदर लीलाओं को श्रवण करके भी यदि कोई मेरे प्रति आकृष्ट नहीं हुआ तब तो क्या लाभ, मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए क्या करो, इन लीला कथाओं को श्रवण करते 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 इनके प्रति लोभ होना चाहिए, और लोभ होते होते उसके लिए साधन भजन और दृढ़ भाव से। सबसे प्राइमरी स्टेप क्या है, आदो गुरु पदाश्रय, यहाँ से आरंभ करते करते साधन करना पड़ेगा। धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ऐसे हम क्रमशः और प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। अभी बच्चों को खड़े करते हैं, अभी तो हम लोग बूढ़े हो गए हैं, इसलिए ये बच्चे धीरे धीरे ठीक से बोला उसने, अच्छी लगी, इसलिए हम चाहते हैं बच्चे भी आगे आप लोगों को कथा सुनाए, इसलिए बच्चों को खड़े करके इनको हौसला बढ़ाते हैं। ये भी गुरुदेव मथुरा में रहते हुए हम कैसे सीखे हैं, गुरुदेव हमें जोर जबरदस्ती खड़े करते थे, बोले खड़े हो बोलो, मैंने मना किया तो गुरुदेव मेरे को टांग लगा दी है, बोले मेरा आदेश पालन करो, एक एक फूल तो ठाकुर के चरण में दो है, तभी आज हम लोग इतने हरि कथा बोल पाए, गुरु जी का आशीर्वाद। हम भी कोशिश करते हैं धीरे धीरे बच्चे भी आगे, ये भी आपको थोड़ी सी लीला सुनाए, बोलो। ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर भक्त वृंद। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलिए, अभी तक पूरा हाथ नहीं उठाए, और जोर करके और ऊपर बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
पाद पद्मा ओम विष्णु पाद स्तोत्र तथा श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र तथा श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र तथा श्रीमद् भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। उपस्थित परम पूज्यपाद ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत ब्रह्म गोस्वामी महाराज जी परम पूज्यपाद हिरण स्वामी भक्ति वेदांत बोधन महाराज जी आप सभी वैष्णव वैष्णव पद्मनाभ महाराज जी आप सभी भक्त वृंद सबके चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार। अभी अभी हम श्री कृष्ण के बड़े सुंदर सुंदर मधुर लीला को श्रवण कर रहे हैं। पता रहे ठाकुर जी इस प्रकार लीला करते ही क्यों, बोल रहे हैं कि ठाकुर जी इस जगत में अगर इसे लीला मधुर की मधुर लीला नहीं करेंगे तो हम जैसे भक्तों का और जैसे हम कथा सुन रहे हैं और जितने भी सुखदेव गोस्वामी जैसे जो ज्ञान में लीन थे उनका मन फिर कैसे द्रवीभूत होता और कैसे वो श्रीमद् भागवत परीक्षित महाराज जी को सुनाते। ये भगवान के मधुर लीला से ही उन्होंने आकृष्ट हो गए, भगवान के मधुर लीला को श्रवण करने से ही उनका मन आकृष्ट होता है, भक्तों का मन आकृष्ट होता है। इसलिए ठाकुर जी ये बड़े सुंदर सुंदर लीला करते हैं, भक्तानाम अनुग्रहाय करोति विविधं क्रिया। अरे ये इतने सुंदर सुंदर लीला इसलिए कर रहे हैं कि भक्तों को विनोद देने के लिए, केवल ही केवल भक्तों को आनंदित करने के लिए। ठाकुर जी मन में सोचते हैं मेरे भक्त मेरे लिए क्या क्या करते हैं, कितने कितने प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन मैं क्या करूं। इसलिए ठाकुर जी इतने सुंदर सुंदर लीला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं, मानो कि पूर्ण रूप में मैं अपने भक्तों के प्रति झुका हुआ हूं। ये ठाकुर जी की लीलाओं का उद्देश्य है। तो जैसे ही ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए, अब बड़े होते ही ठाकुर जी पयो दधिनी तस्करम यथा, दूध की चोरी दही की चोरी मक्खन की चोरी करने लगे। ब्रज में एक एक घर घर में जाके ठाकुर जी किसी को बोलते हैं दूध दे दो मक्खन दे दो, कोई नहीं देता, क्योंकि गोपी भी जानते हैं कि ठाकुर जी को किस प्रकार से मनाया जाए, ठाकुर जी को उस लीला को दर्शन करने के लिए गोपी चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी वहां पे मक्खन की चोरी दूध की चोरी एक एक घर में चोरी करना शुरू करते हैं। लेकिन ठाकुर जी एक आश्चर्य बात है, कभी किसी गोपी के हाथ पकड़ में नहीं आए। तो एक गोपी ने गर्भ संहिता में इस बात को वर्णन कर रहे हैं कि बता रहे एक गोपी ने ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश किया। बोले एक गोपी ने अपने सखियों को बोला, अरे सुन रहे हो सखी, आज मैं कृष्ण को पकड़ के ही रहूंगी। बोले कैसे पकड़ोगी। बोले हमारे घर में एक बजरे वालों घंटा है ना, मंदिर में जैसे बड़े बड़े घंटा रहता है, हमारे रूप सनातन मठ में देखे होंगे, देवानंद गोड़े मठ, अनेक मठों में रहता है, आरती के समय बजता है, तो बजने वाले घंटा होता है। तो बोलते हैं कि हमारे घर में एक बजने वालों घंटा है। बोले क्या करोगे। बोले घंटा से बढ़िया काम हो सकता है, घर में चकाचक दूध दही को लटका दूंगा सीका में, और जैसे ही सीका से कृष्ण चोरी करेंगे और चोरी करते समय घंटा तो बजेगी, और जैसे ही घंटा बजने लगेगी मैं दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लूंगा। सब गोपी बोले बढ़िया अच्छा आइडिया है, बोले करके देखो। तो बड़े सुंदर अधोटा दूध में केसर और उसके ऊपर सारे ड्राई फ्रूट्स मिला करके सुंदर तरीके से उसको उबाल करके मिश्री मां दे करके गोपी ने क्या किया, अपने घर में जो एक बड़ा सा घंटा था उसी घंटा में उसमें एक सीका लटका दिया और सीका के ऊपर उस दूध को रख दिया, और दूध को रख करके गोपी छुप गई और सोच रहे कि कृष्ण आए। भैया लेकिन कृष्ण आते कब, जब प्रेम पूर्वक बुलाते हैं तब आते हैं। तो मन ही मन कृष्ण को आह्वान करने लगी कि हे बाल कृष्ण प्रभु आप कहाँ पे हो, आप इस समय ब्रज में कहाँ पे हो, कृपा करके मेरे इस अधोटा वाला दूध को सार्थक करो, इसको आरोगो प्रभु। तब कीर्तन करने लगी, आज मेरे अंगने में आयो नंदनाथ आयो गोपाल दर्शन के प्राप्ति गोचरिया, आज मेरे अंगना
घंटा सोचने लगा इस समय अगर नहीं बजूंगा तो मेरा वो रहना ही व्यर्थ है।
सारे पुरानों बात भूल गया और इतने तेज से बजने लगा, धन 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 धन, बहुत तेज से बजने लगा। ठाकुर जी तो घंटा की तरफ देखने लगे। इतने में सखा लोग बोलने लगे, भाई लाला कहा भयो, घंटा तो अभी तक मौन था, इतने समय तो मौन था, अब कहा हो गया वो घंटा तो पूरा इतने जोर से बजने लगे, अब क्या होगा। बोले ठाकुर जी, बोले चिंता मत करो, अनुकरण करो। बोले कहा अनुकरण करे। बोले देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इतने में तो गोपी दौड़ के आ गई। गोपी जैसे ही दौड़ के आ गई, कृष्ण को पकड़ने के लिए आ रही है। ठाकुर जी बोले अनुकरण करो, दो हाथ को ऐसे करके ले लिया ठाकुर जी, मुख में दूध ले लिया, और जैसे ही दूध लेके गोपी दौड़ करके आ रही है ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी दौड़ करके जा रहे हैं गोपी की तरफ। इतने में जैसे ही गोपी के सामने पहुंच गए, गोपी जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने की कोशिश किया, ठाकुर जी ने ऐसे करके गोपी के ऊपर पिचकारी कर दिया। अब जैसे ही गोपी ने पिचकारी करते समय, जैसे ही गोपी ने पूरा पूरा अपने मोड़े और आंख को पोंछने लगा, ठाकुर जी को बेहद मान दिया। सारे सखागण भी ऐसे अनुकरण किए और सारे सखागण अपने मुंह में दूध ले लिए और दूध लेके एक एक गोपी एक एक को पकड़ने जा रहे हैं। सब फू 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 करके गोविंद सब भागे, सबके सब चले गए और गोपी तो देख के ही रह गई। ये है दूध भयो, दूध के किस प्रकार ठाकुर जी ने लीला किया था। एक दही के लीला भी श्रवण करते हैं। बोले एक प्रभावती नाम की गोपी थी। बोले प्रभावती बोली, बोले तू तो पकड़ नहीं पाई, मैं पक्का पकड़ लूंगा। ठीक है पकड़ के दिखाओ। बोले ठीक है क्या करूंगा। बड़े सुंदर अधोटा दूध लिया, अधोटा दूध को उसको उबाल उबाल के बड़े सुंदर करके उसने मलाई दे के बड़े मिष्टी दही निर्मित किया, और मिष्टी दही निर्मित करके उसको पूरा अंगने में रख दिया, और अंगने में रख करके छुके। इतने में ठाकुर जी तो प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी द्रव्यग्राही नहीं है, ठाकुर जी वास्तव में गोपियों को प्रेम के भूखे हैं। इसलिए ठाकुर जी अंदर वहां पे अनुसंधान करते करते प्रभावती के घर आ गए, और जैसे ही प्रभावती के घर आ गए, ठाकुर जी की नजर पड़ गया कहाँ पे, अंगने में जो दही रखा हुआ है। ठाकुर जी सखाओं को बोलते हैं, भाई तुम लोग बाहर रहो, ये गोपी इतना सीधी साधी नहीं है, पक्का कुछ व्यवस्था कर रखी होगी, पक्का कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होगी। इसलिए ठाकुर जी ने वहां बोला कि मैं ही चलता हूं पहले, क्योंकि मैं चोरा गगन्यम पुरुषम नमामि। भक्तों को प्रेम को, भक्त के हृदय को, भक्त को चित्त को चोरी करने में मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं जानता। इसलिए ठाकुर जी ने जाके धीरे धीरे प्रभावती के घर में पहुंचे, और प्रभावती के आंगन में जो दही था, मिष्टी दही था, उस मिष्टी दही को अंगने में एक मुष्टा ठाकुर जी ने खाने आरोपना शुरू कर दिया। इतने में तभी पावन में गोपी आई और ठाकुर जी को कलाई को जोर से पकड़ दी। ठाकुर जी तो बिल्कुल भोरे बन गए। बोले मैया, ओ मैया, कलाई को कहा पकड़ो हुए हुए तब। तब गोपी बोलती, मैया ना हूं मैं, ब्रज गोपी हूँ, ब्रज गोपी नाम है मेरो, प्रभावती प्रभावती मैया ना हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छो मैं तो धोखे से आ गया ब्रजगोपी तेरे घर। क्या बात है कि नंद महल की जितने भी खिड़कियां हैं, जितने भी द्वार हैं, तुम्हारे घर से मिलते जुलते हैं। हे भगवान, मुझसे तो धोखा हो गया, मुझे सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मेरे घर में आ गया, गलती से तुम्हारे घर आ गया। तो ठाकुर जी को इस मधुर मधुर लीला को सुन के गोपी बोल रही है कि कोई बात नहीं लाला, बापो तेरे ही घर मान, ये तो तुम्हारा ही घर है। और बड़े कृपा किया प्रभु, आपने हमारे घर में पधारे। लेकिन इस बात समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ अकेले में बैठ करके आप क्या कर रहे हैं। तब ठाकुर जी बोलने लगे, देख गोपी, तू अकेले भरी भूरी गोपी, सास ससुर की कितना सेवा करती है, ननंद जेठानी की कितना सेवा करने वाली, कितना गाय को सेवा करने वाली, तू अकेले भोली भोली गोपी कहाँ कहाँ सेवा करोगे, कहाँ कहाँ काज देखोगे। मैंने सोचा कि तुम्हारे जो अधटा दूध दही ये खराब हो रहा था। बोले कैसे खराब हो रहा था। बोले इसमें चीटी घुस गया था, इसमें चीटी घुस गया था, और तू कहाँ कहाँ सेवा करोगे, इसलिए अकेले गोपी तुम्हारे सेवा को थोड़ा कम करने के लिए ये मैं चीटी हटा रहा था। गोपी बोले, बढ़िया बात है, चीटी तो हटा दे। बोले कहाँ गई चीटी। ठाकुर जी बोले, आपका धरिए चीटी, सब गए अपने बिलन में घुस के। बोले अच्छो, बढ़िया किया तो तुमने, लेकिन लाला एक बात समझ में ना आ रहा। बोले कहा, बोले देखो
अगर चींटी बीनने में तुम्हारे अंगुलों के हस्तन की जो अंगुष्ठी में वहां पे दही लगना चाहिए था, एक बात बताओ तुम्हारे पूरा का पूरा हाथ दही में कैसे टांग रहे। ठाकुर जी बोलने लगे, देख गोपी मेरे मैयाना बड़े प्रेमी है और बड़े प्यार करते हैं मुझे, इसलिए बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं, इसलिए मेरे मैया ने मेरे हाथ पे ये पद्मराग का एक खड़ोला धारण कर दिया। बोले क्या होता है ये खड़ोला, जब सूर्य की किरण पड़ता है ये उत्तप्त हो जाता है, और मैंने बड़े बूढ़े से सुना है ये जो दूध और दही है ये जो जलने वाले चीज को ये क्या करते हैं, ये दूध दही मक्खन इसको ऊपर अगर लगा दोगे, कोई हाथ अगर किसी का जल गया और उसको ऊपर अगर दूध दही लगा लिया या मक्खन लगा लिया तो वो क्या करेगा, उसको पूरा पूरा वो शांत कर देगा। ताई के लिए जलने वालों को जो खड़ोला के लिए बुझाने के ताई मैंने पूरा पूरा दही में मेरे हाथ को थाम दो। गोपी बोली अच्छा, एक बात बता, दही तो तुम्हारे बड़े अच्छा हुआ कि तुमने चीटी भी भगा दिया, हाथ भी तुम्हारा जलन शांत हो गया, बड़े अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे होटन पे दही क्यों लगा हुआ है लाला, ये बताओ। तब ठाकुर जी बोलते हैं, देख गोपी चीटी भगा रहा था, एक चीटी धीरे धीरे मेरे हस्त कमल पे धीरे धीरे बस घुसे ही जा रहा है, मानो कोई खजाना लूटने जा रहा है, घुसे ही जा रहा है, घुसे ही जा रहा है, घुसते घुसते मुखमंडल पे आ गया। अब बताओ इतना सुंदर मुख है और चीटी काट दिया था, इसलिए मुखमंडल से चीटी को हटाते हटाते मैंने क्या किया, दही को थोड़ा चाट लिया। तो बता रहे ठाकुर जी बोल रहे हैं, बोले देख गोपी तू भी जैसे पकीलोन की तरह पूछ रहा है, पीआईडी जैसे बात करते ना ऐसे बात कर, तुम्हारे जैसे प्रेमी गोपी और इतने सुंदर अधोटा दही का जो तुमने जो दही को जमाया है और उसको इतने रक्षा करने के लिए मैंने इतना सारा चीज किया और मुंह में लग गया और अमृत वस्तु दही जैसा, तो मैं उसको क्या चाट लिया तो कोई गलत काम किया, चाट लिया तो कोई गलत काम किया क्या। गोपी के हृदय में तो प्रेम है लेकिन बाहर से क्या करते हैं, कठोर वचन करते हैं, हृदय प्रीत मुख वचन कठोर प्रेम से रत नयन विभोर, हृदय में बड़े प्रीत है और मुख में बड़े कठोर वचन बोले। बोले अभी दिखाता हूं तुम्हें, बातें बना रहे हो और मुझे बकीलन बोल रहे हो, अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैया के पास ले जाऊंगा, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। तो ठाकुर जी बोलने लगे, देख गोपी, तो ठाकुर जी बोलने लगे, देख गोपी अगर तुम इतने सारे व्यवस्था किए, ठाकुर जी इतने सारे बहाना किए, गोपी तो सुनी नहीं, और इतने सारे बहाना करने के बाद जैसे ही ठाकुर जी बोलने लगे, देख गोपी अगर मेरा अगर दही खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो ले, प्रभावती का चुंडी को खींच करके, प्रभावती के पल्लू को खींच करके ठाकुर जी ने दो हाथ को पूछ के मुंह को पूछ लिया। प्रभावती तो बड़े गुस्से में आ गई, बोल रहे पहले तो मेरा दही को नष्ट कर दिया और मेरा थाली को नष्ट कर दिया, आज मजा से खाऊंगी। ठाकुर जी को कलाई को पकड़ लिया, ठाकुर जी बोले देख गोपी तेरे तेरे ढोक लंबे ढोक खाऊं, तेरे घर के सारे काम मैं ही कर दूंगा, लेकिन मैया के पास मत ले जाना मुझे। बोले आज तो लेके ही जाऊंगी। इतने में जैसे ही ठाकुर जी को लेके गोपी जा रही थी, ठाकुर जी सोचने लगे आज तो ये गोपी छोड़ने वाले नहीं है, कुछ ना कुछ तो लीला करना पड़ेगा। इतने में ठाकुर जी बोलने लगे कि देख गोपी लग रहा है तुम्हें कोई लाश शरण बचा नहीं। बोले क्यों। बोले ब्रज में शेर की तरह चलते जा रहे, सास ससुर ननंद जेठ सब ब्रज के आंगन में घूम रहे हैं और तुम घूमने जा रहे हो, बस शेर की तरह चले जा रहे हो। बोले क्या करना चाहिए। बोले घूंघट तो करो। जैसे ही ब्रज गोपी ने सोचने लगा भाई लाला तो सही बात कर रहा है, घूंघट कर ले। और इतने में कृष्ण बोलते हैं चोर के सारा चोरी समझे, सरदार है ना, तो एक सखा को उस प्रभावती को वो बच्चे को बुलाते हैं, बोले इधर आ जाओ पीछे पीछे चलो। तो प्रभावती के बेटा पीछे पीछे चलने लगा। ठाकुर जी बोलने लगे कि देख गोपी तुम्हारे हाथ ना ये दही दूध के काम करते करते ये मक्खन मछली आदि मंथन करते करते तुम्हारा हाथ बड़ा कठोर हो गया और मेरे हाथ कितना कोमल नाजुक, इतने जोर से कस करके पकड़े हो हाथ में जैसे कोई लालीपन आ गया है। तो जैसे ही ठाकुर जी ने ऐसे बोले तो गोपी सोचने लगा कि सही बात हो। बोले लाला कहा करूंगी। बोले एक काम करो, कहा करूंगी क्या, एक हाथ को छोड़ो दूसरे हाथ को पकड़ लो। तो जैसे ही गोपी ने एक हाथ को छोड़ा, ठाकुर जी ने उसके बेटा को हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। दौड़ करके ठाकुर जी गए और
पीछे की द्वार से नंद महल में प्रवेश कर ले। जोर जोर से ठाकुर जी रोने लगे और रो करके बोल रहे, मैया भूख लग रही है। रेशमती मैया बोले, मैंने तो सोचा था लाला की दूर कहीं सखाओं के साथ खेल रहा होगा। बोले ठाकुर जी, बोले आज थोड़ा मेरे स्वास्थ्य ढीलो ढालो सा है, आज सुबह से मैया कहीं घर से निकला ही नहीं नंद भवन से। बोले ठीक है, प्रसाद दे दिया। इतने में गोपी अपने बेटे को लेके आ गई। बोले ओ यशोमती मैया, ओ नंद बाबा की रानी, तू हर दिन बोलते है ना कि लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ। बोले देख, तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लेके आयो। इतने में यशोमती मैया और कृष्ण तो अंदर थे। यशोमती मैया लाला को बोले, बोले ये कौन? कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण यशोमती मैया को देख रहे हैं। कृष्ण बोलने लगे, मैया तेरा क्या दस बारह लाला है? एक लाला तो मैं हूँ, बाहर कौन से लाला को पकड़ के लेके आए? देख लो ये गोपी शायद भांग खा के आई। तो ठाकुर जी को जैसे ही बात सुन के मैया दौड़ करके बाहर आते तो बाहर से देख रही है कि गोपी अपने बेटे को पकड़ के ले आई और घूंघट कर रखी है। इतने में बड़े शिकायत किया। शिकायत करते ही कृष्ण अंदर से आए और बोले, देख लो मैया, मैं कितना सीधा साधा हूँ, हमारे घर में दूध दही का कमी थोड़ी ना है। दूध और छाछ का तो इतना है, छाछ कुंड है, दूध दही का हमारे यहाँ कमी नहीं है। इसीलिए देखो कि गोपियों मुझे कैसे बरबट जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर एग्जाम लगा रहे। इतने में कृष्ण को सामने सुनकर के शब्द सुनकर के गोपी सोचने लगे, कृष्ण अगर सामने है तो नीचे कौन है? जैसे ही देखने लगे, गोपी घूंघट उठाया, देखा कि अपने बालक को ही पकड़ा हुआ है। एक लगाया, माफी मांग करके गोपी भागने लगी वहां से जैसे तैसे करके। फिर कृष्ण पीछे के द्वार से आके बोलते हैं कि देख गोपी, इस बार तुमने मुझे पकड़ाने की कोशिश किया और इस बार पकड़ाने की कोशिश किया तो मैंने तुम्हें तुम्हारे हाथ में तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अगले कुछ दिन के बाद तुम्हारे घर में चोरी करने आऊंगा और चोरी करते समय अगर तुमने फिर से ये नौटंकी करना शुरू कर दिया, बार तो मैंने तुम्हें तुम्हारा बेटा का हाथ पकड़ा दिया, अगले बार तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कसम का हाथ पकड़ा दूंगा। तो इस प्रकार ठाकुर जी बड़े सुंदर से सुंदर लीला करते हैं। देखिए इस मक्खन चोरी लीला के पीछे का उद्देश्य बहुत कम समय में इसको श्रवण करते हैं। बस जाते हैं। मक्खन चोर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। हाँ देखो ठाकुर जी ये मक्खन चोरी क्यों करते थे इसका अच्छा तरह समझो। मक्खन मतलब क्या? माख मतलब होता है क्रोध, ना मतलब नहीं। ठाकुर जी किस चीज को चोरी करते हैं? जिसकी हृदय में काम क्रोध लोभ नहीं। बोले भैया किसकी हृदय में ये काम क्रोध लोभ नहीं? बोले संतों का हृदय। बोले संतों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? बोले ये ब्रज की गोपियां हैं, ये ब्रज की गोपियां हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, बोले संत हृदय ना बनी इसलिए संतों ने मक्खन चोरी करके अच्छा तात्पर्य समझाए। आप लोग मक्खन घर में बनाए हो? कौन कौन बनाए हाथ उठा दो। अरे हाथ कोई मक्खन नहीं बनाए घर में। हाँ देखो जब मक्खन कैसे बनता है, पहले दूध लाओ। अरे दूध को गर्म करो। ले गर्म करना मतलब क्या है? जब किसी साधक के हृदय में भगवत प्राप्ति की जब हृदय में विरह जगे, कब हमें ठाकुर जी मिले, कब ठाकुर जी मिले, इसको कहते जब उसको गर्मी किया, गर्म हो गया, फिर क्या करो? उसमें जमन डालो। जमन ज्यादा नहीं, थोड़ा होनी चाहिए, तो खट्टा हो जाएगा। बोले भैया जमन क्या चीज है? बोले जमन है,
जब हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जगे, फिर भगवत इच्छा से हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं, यही हो गया जमन। इसलिए गोस्वामी जी कहते ना, बिनु बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे हो जाओ, अगर जीवन में कोई सद्गुरु नहीं अपनाया तो जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर करनी हमें चाहिए। देखो एक छोटी सी कथा सुना। बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर रहे थे। कथा करते करते उन्होंने बताया, देखो जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं ना, वो भवसागर से पार हो जाता है। उसी घर में एक पिंजरा में एक तोता रहता था। इतने में वो तोता बड़े जोर से चिल्ला उठा, बोले बाबा ये सब झूठ मूठ का बात क्यों कर रहे हो, भगवान का नाम लेने से संसार से उद्धार हो जाता है। बोले झूठ क्या है, तो सच है। बोले तू मेरे को देख लेना, एक छोटे से पिंजरा में रहता हूँ, जो कोई आए ना उसको राम राम कृष्ण कृष्ण दिखकर करता हूँ। छोटे से पिंजरा से उद्धार नहीं हुआ, अब तू कहे तो भगवत सागर से पार हो जाएगा है, वो तो चुप हो गया। घर में आकर गुरु जी को बोले, गुरु जी बोले बेटा चलो तेरे साथ मैं चलता हूँ, तू कथा कर। फिर उन्होंने एक ही कथा बोले, जो भगवान का नाम लेते हैं वो भवसागर से। फिर वो तोता चिल्ला उठा, बोले बाबा फिर क्यों वो झूठ मूठ का बात बोलते हो। इतने में गुरु जी खड़े थे, बोले झूठ क्या तो सच है। बोले गुरु जी आप ही देखो ना मेरे को, सब तो मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी तक भी संसार से उद्धार नहीं हुआ। आप कहते हो भगवान का नाम लेने से बेड़ा पार हो जाएगा, पिंजरा से उद्धार नहीं हुआ। गुरु जी ने बोला देख बेटा, तुमने जो नाम कर रहे हो ना, तू अपनी आप इच्छा अनुजाई कर रहे हो, तू अपना मर्जी से हरिनाम कर रहे हो, इसलिए संसार से उद्धार नहीं हुआ। बोले गुरु जी फिर क्या करना पड़ेगा। बोले किसी सदगुरु से नाम लेनी चाहिए, किसी सदगुरु से नाम लेनी चाहिए। उदाहरण दिया जैसे एक गोली हो, किसी गोली को अगर ऐसे हाथ से फेंकोगे ना थोड़ी बहुत लगेगा, लेकिन उसी गोली को जो बंदूक में रख करके मारोगे क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, इस पार से उस पार हो जाएगी। इसलिए कहते जब गुरु जी से हम हरिनाम लेते क्या होता है, कहते भगवान को भी वैकुंठ से, भगवान को भी वो खेच करके ले आता है। इतने में तोता ने बोले गुरुदेव फिर तो कान में मेरे को मंत्र दे दो। तो गुरु जी ने कान में मंत्र दिया, बोले देख बेटा तेरे को जो बात बताता हूँ इसको पालन करना तब उद्धार हो जाएगा। बोले गुरुदेव बताओ। बोले जब कथा विश्राम हो जाएगी तुमने एक नाटक करना। बोले क्या नाटक कर। बोले मरने का नाटक करना, फिर तेरे को अंदर से निकालेंगे, आरती सजा कर जब ले जाएगी ना तब तो भर कर उठ जाना। बोले वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिए। अभी जब कथा समाप्त हुई उसने नाटक की मरने का, लोग बोले भैया इसका जीवन धन्य हो गया है, क्यों कथा सुनते सुनते इसका जीवन इसको प्राण पखेरी उड़ गया, चलो इसको आरती सजा कर ले चलते हैं। अभी पिंजरा से निकाले, आरती सजाया, गले में सुंदर माला पहना है, और जब राम नाम सत्य करते करते ले जा चाह रहे थे ना, इतने में तोता ने फर करके उड़ गया। जब फर करके उड़ गया गुरु जी ने बोला क्यों तोता जी, गुरु जी से मंत्र लेने से उधार होता कि नहीं। बोले हाँ गुरु जी से मंत्र लेने से तभी उधार होता है। इसलिए हमारे श्री जीव गोस्वामी एक अच्छी बात बताए, ध्यान देकर देखो हम गुरु जी से क्यों मंत्र लेते हैं। शास्त्र में तो मंत्र है, पढ़ लो ना, माता जी जो माला दे रहे हैं, इसलिए शास्त्र में तो लिखा हुआ है, अच्छे तरह से समझो क्यों हमें गुरु जी से मंत्र लेनी चाहिए। तब जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, ऐसे कुछ पेड़ है, अगर वो पेड़ से डायरेक्ट बीज लेकर होगा ना फिर ना पेड़ नहीं होगा। उसका नियम है वो फल को कोई चिड़िया खाए उसका पेट में जाए, फिर जब वो बीट करता है तभी उसका वृक्ष होगा। बोले कौन सा वृक्ष है, अरे बोलो जोर से कौन सा वृक्ष है। कहते पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़। आप देखना ये दोनों पेड़ को नीचे कभी बरगद पीपल का पेड़ कभी नहीं देखोगे, कहाँ देखोगे, छत के ऊपर किसी पेड़ के ऊपर देखोगे, देखोगे ना। बोले ऐसे क्यों, बोले जब कोई इसको चिड़िया खाता है
उसका पेट में जाने पर ऐसे कुछ रस है उसमें लगने पर जब मेरे पीट करता है देखना है कि वृक्ष को बनाने के लिए क्या चाहिए पानी मिट्टी वायु चाहिए लेकिन देखना पत्थर के ऊपर कोई पानी नहीं कोई मिट्टी नहीं वहां पर हो जाता है देखे कि नहीं और पेड़ क्या मतलब किया है क्योंकि जब हम सदगुरु से ये मंत्र ग्रहण करते हैं यद्यपि हमारे हृदय नीरस है हृदय नीरस हृदय है लेकिन वो नीरस हृदय में भी अगर कोई सरस प्रदान करता कौन है बोले श्री गुरुपाद पद्म इसलिए क्या करना पड़ेगा हरिनाम करना पड़ेगा ठीक से हरिनाम को जप करना पड़ेगा फिर क्या होगा एक तरफ में छान एक तरफ में मखन निकलेगा मखन क्या प्रेम जब साधन करेंगे हृदय में प्रेम प्रकट होगा मक्खन को खाने के लिए क्या होगा ठाकुर जी तुम्हारे घर में दौड़ दौड़ करके आएंगे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज है गिरिराज की पूजा है महाराज जी आपको ये गिरिराज है क्या चीज ये गिरिराज की पूजा की क्या महिमा है हम लोग क्यों ये गिरिराज की पूजा करते हैं महाराज जी इसी विषय ऊपर में आज गिरिराज की पूजा है महाराज जी गिरिराज के तत्वों के ऊपर में महाराज जी प्रकाश डालेंगे क्योंकि जो गिरिराज गोवर्धन है क्या है ये सर्व अभिष्ट प्रदान करने वाले सारी इच्छाओं को ये गिरिराज जी देने वाले हैं एक बार जयकार दो बोले श्री गिरिराज महाराज की अरे जोर से बोलो ना आवाज नहीं अभी तो जय को है बोल रहे बोल जोर से बोले श्री गिरिराज बाबा की गिरिराज महाराज नाम षष्ठं मनोभिः सजीवतस्रूपं रूपं तत्सकृजं मुरुपुरीं माथुरीं दृष्ट्वाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमो राधिका माधवाशं प्रप्तयश्च प्रदीत कृपया श्रीगुरो तं नतोऽस्मि नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिता कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय ओम वृंदावै तुलसीदेवै प्रियावै केशवश्च च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्तवत्वे नमो नमः भक्ताभिहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भजामि राधा अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधा मधुर श्रीयाद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर तपस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर तपस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करुण साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूं। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान व्यासादि परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी समाधि भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रभु चरण श्रीपाद पद्मनाभ महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु शत्रुवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं आज श्रीमद् भागवत कथा की छठवां दिन है, षष्ठ दिवस है। दो शब्द के द्वारा अपने वामदेव जानी वचन को मैं विराम देना चाहता हूँ। महाराज जी ने बहुत सुंदर सुंदर रूप में कृष्ण की अनेकों लीला कथाओं को श्रवण कराया। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी परीक्षित महाराज जी के निकट दशम स्कंद अनेकों मधुर मधुर लीला कथा को श्रवण कराया और बीच बीच में महाराज जी ने अनेकों जो एक शिक्षा मूलक हमें उपदेश भी दिया। जीवन में आचरण हम कैसे करें, केवल आचरण विहीन जो वक्ता होते हैं वो केवल कर्मांगी के अंतर्गत कहा जाता है। कर्मी लोग भी बोलते रहते हैं, गीता भागवत रामायण महाभारत सभी पढ़ चुके हैं, सभी अच्छी अच्छी कथा भी बोलते हैं, किंतु जीवन में यदि हम आचरण नहीं किया तो वो बोलना केवल कर्मांग के अंतर्गत है। कर्मी लोग भी बोलते रहते हैं, लोगों के लिए बहुत कथा सुनाते रहते हैं, गुरुदेव भी कथा सुना देते। एकादशी के दिन पंडित जी बहुत सुंदर एकादशी के महत्व भी सुनाया, एकादशी खाना नहीं चाहिए, निर्जला करना चाहिए, ये करना चाहिए, और घर में आकर के पुत्री के पूरी क्या चावल रोटी नहीं बनाया, बोले आज तो मैं कथा में चली गई और आपने तो कथा में बताया आज निर्जला होनी चाहिए, निर्जला होनी चाहिए। एकादशी कैसे होनी चाहिए, कैसे एकादशी व्रत होनी चाहिए, निर्जला व्रत, पानी तक पीना नहीं चाहिए। तो आपने तो कथा सुनाया इसलिए मैं कुछ नहीं बनाया, पर एक कथा तो दूसरे के लिए तेरे लिए थोड़ी है, कथा सुनाना है दूसरे, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत थी। तो उसी प्रकार हमारे आचार्य पाठ कहते हैं गुरुदेव कथा सुनाते थे, जो जीवन में जितने परिमाण आचरण करते हैं और उतना ही उनके लाभ ही है। इसलिए श्रोता भक्ता ठीक उसी प्रकार हम सम्मान महापुरुष ने कहा तिनाद भी सुनी चैनम तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भजन की प्रणाली महाप्रभु ने दिखाया,
नादवी सुनीच तरोरी वो सहिष्णुना अमाने और मान देना कीर्तनीय सदा भरी सैन चैतन्य सचिवंदन गौर भरी गीता में उपदेश दे तो दिया किंतु कहां तक आपने स्वयं आचरण किया किंतु वही से कृष्ण गौरांग के रूप में आकर के आचरण करके जगत जीवों की शिक्षा दी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं अपनी आचरी जीवन सिखान अपनी ना कोई धर्म सिखाना चाहे स्वयं आचरण करके जब हम दूसरे के शिक्षा दी देते हैं तब वो पालना नहीं करते। मैं स्वयं नाम नहीं करता हूं दूसरे के कारण जो नाम करो वो होता है वो सुनेगा और अंदर कोई करेगा ही नहीं। इसलिए स्वयं महाप्रभु वही कृष्ण साधु रूप में आए कलयुग में किस रूप में आए साधु रूप में आए और स्वयं नाम कर रही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी गिरिराज की कथा प्रसंग बहुत सुंदर है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ब्रज में पधारे और चैतन्य महाप्रभु कभी गिरिराज गोवर्धन के ऊपर उठते नहीं थे। शास्त्र में स्पष्टीकरण कर दिया चैतन्य चैतामृत में वृंदावन जाइए नारहिबे चिरकाल गोवर्धन ना देखिबे गोपाल। वही कृष्ण ही गौरांग रूप में आई है और महाप्रभु क्या करे वृंदावन जाइए नारहिबे चिरकाल चिरकाल तक अधिक समय तक वृंदावन में मत रहे। क्यों वृंदावन में रहे तो ब्रजवास की जो आचार व्यवहार वो देख करके तुम्हारा मन खट्टा हो जाएगा अपराध हो जाएगा। अभी अभी ब्रह्मचर्य ने बताया ना भजन की दो प्रकार की कहा जाता है एक वैधि मार्ग का भजन और एक रागानुग भजन। ब्रजवासी जन जो होते हैं उसके कहता है रागात्मिक जन कहा जाता है इष्टे सार्वजिक राग परम अभिचुता होवे तमय तो भवे दुर्दशा रागात्मिका कदिता रागात्मिका पुरुषिता जैसा रागानुग उच्चते ब्राजन्ति अभिव्यक्तं ब्रजवासी जनादिषु। चलो रूप गोस्वामी पाठ वर्णन कर रहे हैं ये कृष्ण के जो नित्य परिकार जो है सर्वशक्ति के प्रकाश स्वरूप ये समस्त रागात्मिक जन कहा जाता है नंद जसोदा सुबोध सीताम राधा गोपी आदि ये सब कोई जीव तत्व नहीं है स्वयं कृष्ण के स्वरूप शक्ति से ही प्रकाश है जीव तत्व नहीं है। ये सब इनके हृदय में स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग का एक ऐसा रागात्मिक जन इसके सारी राग परम अनुचता होगी। इनके दो लक्षण बता रहे हैं इष्ट देव में इतने अभिष्ट के रहते हैं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे जाधव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति ऐसे ब्रजवासी जन नित्य ही कैसे भगवान में पुनरक्त होकर रहते उनके तन मन बस गोविंद के ही सहाता एक क्षण काल के लिए उनके मन कभी भटकता नहीं। तथा विषयानी ना जिस प्रकार विषय व्यक्ति विषय में मन पुनरक्त रहता है उसी प्रकार जो ब्रजवासी जन उनके मन सदा सर्वदा गोविंद में रहता है। इसमें बहुत सुंदर श्लोक है
चुले बसाई पाल बनु करने जे ब्रजवासी किसको खाते हैं जागोर ने अपमन ने मतों पर लिखो जब दूध काटती है ना क्या करती है गोविंद दामो दर मादवेटी गोविंद दामो दर मादवेटी गोविंद चिंतन करते कीर्तन करती है जिससे उनके चित्त त्रिभुत हो जाते और आंखों से आंसू की धारा इसलिए ये समस्त वर्णन हो गया। देखो हम इसलिए कह रहे हैं ये गिरिराज कौन है कौन है नित्य पुर वृंदावन धाम से ही सच्चा रूप में ये गिरिराज प्रकट हुए। क्यों गिरिराज गोवर्धन हमें क्या शिक्षा क्या देते हैं जिस संग श्रीमती राधा जी कह रहे अंताय अद्वीय बला हरिदास वर्ज जब राम कृष्ण चरणम और सप्रमोदम मानम तनति सह गोन गोपी पानीय सुजवश कंदर कंदमूलई संग राधा जी ये गिरिराज के महिमा वर्णन कर रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद रूप गोस्वामी पाद जी गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इतने सुंदर सुंदर गिरिराज गोवर्धन की स्तुति आदि की। ये गिरिराज गोवर्धन वास्तव रूप में ब्रज की जो है तिरक स्वरूप जो गिरिराज गोवर्धन के लिए हम आश्रय नहीं करें कदापि हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नाही कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं कर कृष्ण भक्ति बहुत दूर की तो बात कहा गया हमारे संसार जो दशा आसक्ति जो है वो नाश कैसे दूर होगा ये महत्व की कृपा महत्व के चरण में जब हम अपने को समर्पित कर देंगे तब हम संसार के जन विषय से विमुक्त हो जाएंगे तब हम भजन राज्य में प्रवेश करेंगे। स्वयं राधा जी कह रही है हंताय अद्री अबला हरिदास वर्जो हमारे ब्रज में इस शास्त्र में तीन हरिदास के बारे में बताया गया एक हरिदास और दूसरी हरिदास तरप और तीसरी हरिदास तम युधिष्ठिर महाराज के कहा जाता है हरिदास उनके नाम भी आ रहे हरिदास के नाम में और दूसरी हरिदास हरिदास तरफ और है बोले उद्धव के लिए कह रहे हैं हरिदास उसके नाम आ रहे और तीसरी जब हरिदास ये कौन है ये गिरिराज बोलो गिरिराज महाराज की क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जैसे सेवा की ऐसे सेवा किसी ने नहीं की समस्त प्रकार रसों के द्वारा गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की सेवा शन सक्षात दैन के मूर्तिमति ये श्रीमती राधिका महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका यही वर्णन कर रही है ये हंताय अद्री अबला हरिदास उपार्जुन जत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानम तनती सह गोपी पानी और सुजवश कंद्र कंद मोरे गिरिराज गोवर्धन कितने प्रकार की सेवा दी है गर्मी के समय गिरिराज गोवर्धन क्या देते हैं ठंडी ठंडी जल निकलते हैं जहां पर कृष्ण और सखाओं के साथ वहां पर स्नान आदि करते हैं गर्मी के समय ठंडी ठंडी जल प्रदान करते हैं और गर्म के और ठंडी के समय हल्का गर्म जल आ जाता है। देखो सेवा की परिपाटी कैसे गिरिराज गोवर्धन की सेवा और गिरिराज गोवर्धन इतने सुंदर
राज करते, गिरिराज गोवर्धन क्या करते, फल मूल आदि प्रकाश कर देते हैं। जहां पर कृष्ण सखाओं के साथ वहां पर भोजन आदि करते हैं, फल मूल कंद मूल आदि भोजन करते हैं। और गिरिराज गोवर्धन देखो ऐसे सुगंध शैल ऐसे सुगंध शिला प्रस्तुत कर देते हैं। अभी तक जो शिला है, जो शिला में थोड़ा पानी रख दीजिए और रख करके अपने हाथ के द्वारा थोड़ा घिसिए, ऐसे चंदन घिसते है ना, रखिए। ये मोदी भवन के पास हम के गुरुदेव की जो गिरिराज गोवर्धन जो परिक्रमा हम लोग किया था, जब ये हमारे गिरिराज गोवर्धन मठ नहीं बना, उस समय मोदी भवन के सामने श्री गुरुदेव समस्त जातियों के लेकर के ठहरते थे। और ठीक उसके सामने आज तक भी एक सुंदर शिला है, उस शिला में थोड़ा पानी डाल दीजिए और देख करके हाथ से ऐसे घिसिए, देखो आपके हाथ इतने सुंदर चंदन के वहां से सुगंध आए। उसे इसलिए करे सुगंध शील गिरिराज गोवर्धन ऐसे सुंदर शिला आदि प्रस्तुत करते थे और कुछ इन सुगंध शिला से चंदन आदि निकाल करके गोपियां कृष्ण के जैसे सुंदर रूप में गोपी डॉट बना के दिए शिला आदि। गिरिराज में गिरिराज गोवर्धन की कितने सुंदर महिमा, गिरिराज गोवर्धन कैसे सेवा आदि की दिखा रहे। कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन पर चढ़ करके बंसी वादन करते थे, सभी के हृदय द्रवित हो जाते थे, गायों के एकत्रित करते थे और गिरिराज गोवर्धन ऐसे सुंदर सुंदर कंदराओं जो है प्रस्तुत किया, कंदराओं की सुंदर जिस कंदरा में स्वयं कृष्ण गोपी आदि के साथ अनेक प्रकार से मधुरतम लीला आदि करते। ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा जितने हम कहें वो समाप्त नहीं सकते। एक कोई व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे उसके और इतने समय एक कोई राक्षस आ गया, हा 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 उसके पास आ गया, वो डर गए। देखो गर्ग संहिता में वर्णन है और वो व्यक्ति ने किया कि अपने प्राण बचाने के लिए वहां पर एक गिरिराज गोवर्धन की शिला उठाया और वो ब्रह्मदैत्य राक्षस के ऊपर मार दिया। देखो वो गिरिराज गोवर्धन की शिला स्पर्श होते ही वो राक्षस ब्रह्म राक्षस उस शरीर को त्याग दे दिया और शरीर को त्याग करके विशाल सुंदर देव शरीर प्राप्त करके और नित्य धाम में चले गया। ये गिरिराज गोवर्धन की अनेक महिमा, इस गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं है। स्वयं कृष्ण जब नित्य गोलोक धाम वृंदावन धाम में आने लगे, स्वयं राधा जी के कहने लगे राधा जी मेरे साथ चलो, राधा जी कहती है जहां पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहां पर जमुना नहीं है, जहां पर गोपी नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाता। तो कृष्ण ने कहा कि देखो ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन की मुझे प्रकट कर दिया, ये जमुना आदि जो देख रहे हैं मानसी गंगा ये सब नित्य गोलो वृंदावन धाम से ही प्रकट हुई है। कृष्ण हमारे कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया कोरी सपार्षद सिय धाम सह अवतरी सह अवतरी नित्य गुरु वृंदावन धाम से ये गिरिराज गोवर्धन और जितने भी लोग देख रहे हैं ये सभी प्रकट है। यहाँ ये गिरिराज गोवर्धन की तथापि लोकलीला के अनुसार भगवान कभी कभी ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा में दर्शन कराते हैं, गुरुदेव सुनाते थे। देखो त्रेता युग की कथा है, जब भगवान रामचंद्र बंदर सेनाओं के द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु बांध रहे थे और समस्त बंदर जो है दूर दूर से पत्थर लेकर के सेतु बांध दिया और इतने सब सेतु जब समाप्त हो गए बन गया, उस समय भगवान रामचंद्र ने ऐलान कर दिया, देखो जो जहां पर है वहीं पर पत्थर के वहीं पर रख दिया जाए। ठीक उसी समय ये हनुमान जी इस
तो हिमालय से आगे द्रोण पर और यही गिरिराज गोवर्धन की लेकर के आ रहे थे और भगवान रामचंद्र की समाचार होने के साथ ही साथ और हनुमान जी ने कहा कि इस गिरिराज गोवर्धन की इसी ब्रज में ही विराजमान कर दिया। तब उस समय गिरिराज गोवर्धन बहुत दुखी थे, हाय हाय मैं तो भगवान की सेवा में नहीं लगा, मेरे जीवन व्यक्त हो गया है, कहना वह अच्छे प्राण किस कर लगिया लगिया नरोत्तम दास कहना नागिन मरिया। जिस जीवन के हम भगवान की सेवा में नहीं लगाया तो जीवन व्यक्त हो गया। देखो गिरिराज गोवर्धन के कर्ण धनी भगवान रामचंद्र ने श्रवण कर लिया। भगवान रामचंद्र ने कहा हे गिरिराज गोवर्धन तुम शांत हो, मेरे कृष्ण रामलीला के पश्चात मैं कृष्ण लीला प्रकट करूंगा। उस समय ही गिरिराज गोवर्धन तुम्हारे कंदराओं में अनेक जो है मधुर से मधुरतम लीला दिखो, समस्त प्रकार की लीला गिरिराज गोवर्धन ही है। क्या सख वात्सल्यम माधुर्य लीला तो परिपूर्ण रूप से ही गिरिराज गोवर्धन, ये गिरिराज गोवर्धन सच्ची स्वरूप है। निजपति भूज दंड छत्र भाव पद हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ईश्वर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इतने सुंदर गिरिराज गोवर्धन की महिमा वर्णन करते। देखो तब से गिरिराज गोवर्धन भी है, ये तो रामलीला की कथा बताया जिससे हनुमान जी इस गिरिराज गोवर्धन की यहाँ प्रकट कराए और एक कथा सुनाते हैं। देखो एक पूर्व काल में एक एक अद्वैतवाद सन्यासी जो है वो काशी में रहते थे, बहुत समय तक काशी में भजन किया। तो काशी में रहते हुए विचार करने लगे जे काशी में मैं रहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि मंत्र जप करता हूँ किंतु ये काशी में वाराणसी में यहाँ कोई पर्वत नहीं है, इसलिए उन्होंने विचार किया चल दिया। चलते चलते हिमालय के समीप में द्रोणाचल में आए और उनके शिष्य में कुछ दिन रहे और रहने के पश्चात और देखो संत महात्मा आए उनके बहुत सेवा किया। सेवा करने के बाद संत महात्मा कहने लगे मैं जाता हूँ अपने आश्रम में लौट करके जाता हूँ। तो उस समय देखो द्रोण पर्वत कहने लगे गुरुदेव आपको क्या सेवा करूं, पर देखो मैं संत महात्मा हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा वृद्ध काल हो गया मुझे एक सेवक चाहिए। ये क्या चाहिए? सेवक चाहिए। बोले सेवक कैसे? बोले देखो उनके छोटा बेटा था उसके नाम था क्या? बोले गिरिराज महाराज की मैं हूं। बोले तुम्हारे छोटा बेटा गिरिराज मुझे दे दो ये मेरा सेवा करे। गिरिराज मन मन विचार करने लगे ये अद्वैतवादी अहम ब्रह्मास्मि जप करने वाले हमें इनके साथ मुझे जाना ही नहीं, इसलिए उन्होंने कहा जे मैं नहीं जाता गुरु के बात नहीं मानता चलो मेरे साथ। तब कहने लगे देखो गुरुदेव आपके साथ मैं जा सकता हूं, दो शर्त है। एक शर्त है जहां पर आप मुझे रख दोगे वहीं पर मैं तस्य मस्मि और दूसरी बात है गुरुदेव आप अपवित्र अवस्था में आप मुझे अपने पास रख नहीं सकते। अपवित्र कब होता है? जब पैखाना पेशाब में जाते हैं, इसलिए शास्त्र में लिखा गया देखो जे माला जप आदि माला हम जो हरिनाम आदि करते हैं ये हरिनाम की माला लेकर के कभी पैखाने के घर में पेशाब के घर में जाना नहीं चाहिए, माला को जो अत्यंत पवित्र स्थान में रखना चाहिए। अथवा पुरुष लोग जो है दीक्षा मंत्र हो गया और वो क्या करें ये जनोई भी जो है उपवीत जो है ये दाएं कान में रख करके और पैखाना पेशाब में जाना चाहिए, ये समस्त शास्त्र सिद्ध सदाचार है। तो उसी प्रकार गिरिराज कहने लगे
यदि आपके साथ मैं जा सकता हूँ अपवित्र अवस्था में आप मुझे अपने पास रख नहीं सकते। अरे ठीक है, वो कहने लगे अरे मैं तो जोगी हूं, एक सेकंड में इस मास मंत्र जप करे और मैं पहुंच जाऊंगा कहां काशी। उन्होंने कह दी देखो वो गिरिराज गोवर्धन के उठाया अपने हाथ में और अनिल के गिरिराज गोवर्धन मणिमन भगवान के लिए प्रार्थना करने लगे हे प्रभु मुझे रक्षा करो मेरे जीवन भ्रष्ट हो जाएगा ये अद्वैतवादी मायावादी के पास जाने से मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। शास्त्र में लिखा है चैतन्य चैतन्यामृत में पश्चिम लिखा है मायावाद दोष जार हृदय पशिल चित्त कहार वज्र समूह अहम ब्रह्मास्मि जप करने वाले उनके कभी संग करना नहीं चाहिए। शास्त्र के विचार है यहाँ तक भी शास्त्र में बहुत श्लोक है लोग श्लोक बोलते जाए तो कितने श्लोक हो जाए। बोले त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति के दर्शन भी करना नहीं चाहिए त्रिपुंड है ये त्रि जो है लगाते हैं बिंदी केवल बिंदी लगाने वाले ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि जप करने वाले है बोले इनके दर्शन करने भी तुम्हारे सारे सुकृति भी नष्ट हो जाता है प्रमाण है शास्त्र में शास्त्र में क्या प्रमाण तिलक होनी चाहिए। इसलिए गिरिराज गोवर्धन मन में विचार करने लगे हे प्रभु काशी में जाकर मेरा फंसी लग जाए गले में फंसी लग जाए मेरा जीवन व्यर्थ तो हो जाए। इसलिए शास्त्र में स्पष्टीकरण कर दिया अद्वैत के भी संग करना नहीं चाहिए महाप्रभु के विचार है शुद्ध विचारधारा है जैसे महाराज जी भी बताए ना तिलक कैसी होनी चाहिए ललाटे तिलक पुष्टिकर होनी चाहिए ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद स नर असुर लाभित। इसलिए गिरिराज गोवर्धन मणि मन विचार करने लगे प्रभु मुझे रक्षा करो ये देखो वही साधु जब यही ब्रज में जब आ गए और भगवान के लिए प्रार्थना कर लिए प्रभु ब्रज छोड़ करके मुझे बाहर मत ले जाओ ब्रज छोड़ के भी कहीं मत ले जाओ अभी ब्रज की भी कथा है मथुरा के क्या गोकुल के गाय ब्रज के मैं बोल गया ये ब्रज के बाहर जाए क्या बोले करम फूटे तो करम फूटे तो बाहर जाओ मथुरा में सब वास्तविक सत्य ब्रज के बाहर कौन जाना चाहता है जिसके कर्म इतने जब आ जाता है पूरी कर्म आ जाता है वो ब्रज के बाहर जाता है तो गिरिराज गोवर्धन मन मन भगवान के प्रार्थना करने लगे हे प्रभु मुझे ब्रज में रहना है। उस समय भगवान ने क्या की और उनको उनकी इतने जोर से पिशाब लग गया और उन्होंने कह दी वो भूल गए सर तक और गिरिराज गोवर्धन की कह दी नीचे रख दिया और रात करके पिशाब करने के बैठ गए देखो और पिशाब करके बैठ गए कितने सामान्यता को पिशाब करने के भगवान जब और पिशाब करके जब आए स्नान आदि करके आकर आ गए बोले आ जाओ मेरे हाथ में आ जाओ। गिरिराज गोवर्धन कहने लगे प्रभु जो कुछ भी करे गुरुदेव आपके आदेश में पालन नहीं कर सकता क्यों आपकी शर्त था आप जहां पर मुझे रख दोगे मैं वहीं पर रह जाऊंगा और आप अपवित्र अवस्था में मुझे रख नहीं सकते अपने पास नहीं रख तो उस समय वो प्रस्थ ऋषि ने गिरिराज गोवर्धन के अभिशाप दे दिया क्या अभिशाप दिया ये हर रोज एक तिल के भांति की भांति क्या बोले क्षय हो जाओ नीचे धीरे धीरे नीचे खाई हो जाओ नीचे जाओ किंतु देखो भगवान की सेवा के लिए ये गिरिराज गोवर्धन ने क्या की वो प्रस्थ के अभिशाप को भी स्वीकार कर लिया है बोले मुझे नीचे धरती में जाना है किंतु तथापि मैं आपके साथ नहीं हूं। आज तक भी गिरिराज गोवर्धन एक एक करके तिल एक एक तिल के भांति नीचे समाय जाए गुरुदेव कहते थे कृष्ण के समय ये गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंची थे
है, उसके छाया मुखरा तक पड़ता था। आज गिरिराज को हम धीरे धीरे धरती पर समाहित कर दिया। क्यों? कृष्ण ने कहा, हे गिरिराज गोवर्धन, तापर युग में, रामचंद्र ने कहा, तापर युग में मैं कृष्ण होकर क्या हूं और आपकी सारी मनोवंशा पूर्ण करूं। इसलिए ही सैक रामचंद्र कृष्ण के रूप में तापर युग में आकर के और उनकी कुंडला में ऐसे सुंदर सुंदर मधुर आदि लीला आदि की गिरिराज गोवर्धन की अनेकों महिमा है। ये गिरिराज गोवर्धन की इतने महिमा है जिसके देखो अन्नकूट की महिमा है ना, गिरिराज गोवर्धन के विशेष तक पर जग गया है, अन्नकूट की महिमा दिखाया है। इस कलिजुग में चैतन्य महाप्रभु माधवेंद्र परिवार आदि ये समस्त दिखाया क्या है, गिरिराज गोवर्धन के अन्नकूट महामहोत्सव कृष्ण के लीला के समय जिस प्रकार नंद महाराज अन्नकूट महामहोत्सव की ठीक उसी प्रकार हमारे माधवेंद्र पुरी पाद ये गिरिराज गोवर्धन के अन्नकूट महामहोत्सव की कराया कृष्ण के लीला की समझ नहीं कैसे लीला की हुई। ये देखो स्वयं प्रातः काल में गिरिराज गोवर्धन कृष्ण की जितने भी लीला हुई रासला सर्वोत्तम लीला कहा गया और ये रासला करने के लिए पहले कृष्ण ने दो लीला को जगत में प्रकट करा दी। एक है ये गिरिराज गोवर्धन धारण लीला और दूसरी कालिया दमन। ये कोई मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम 5 किलो वजन में पत्थर को उठा नहीं सकते और देखो स्वयं भगवान ने कह दी इतने विशाल 21 मील गिरिराज गोवर्धन की बाएं हाथ में छोटे उंगली पर उठाए कितने दिन तक 7 दिन 7 रात तक चुनौती दिया इंद्र के चुनौती दिया ये इंद्र तुम क्या कर सकते हो मेरा बाण बता नहीं सकते। ये गिरिराज गोवर्धन के धारण के द्वारा स्वयं भगवान दिखा हे इंद्र तुम किसके साथ स्पर्धा कर रहे हो, ये ब्रजवासी लोग कौन है, ये ब्रजवासी मेरा नित्य परिकर है और इंद्र तुम कौन हो। इंद्र का है जीव तत्व है, बहुत पुण्य आदि करने के बाद स्वर्ग के राजा बन जाता है, शास्त्र में लिखा है कोई ब्रह्मा बनता है कोई यह तो भी शिव भी बन सकता है, इस मत बहुत विचार है। तो इंद्र एक जीव है और ये ब्रजवासी लोग क्या है, भगवान के नित्य परिकर है। इसलिए भगवान ये दिखा रहे गिरिराज गोवर्धन धारण की कथा इतनी सुंदर मधुर है, भगवान दिखाते हैं तुम बन गया राजा और मेरे ब्रजवासियों को क्या बना दिया प्रजा, छोटा होकर के हमारे ब्रजवासियों के क्या लेते सेवा लेते हो। इसलिए स्वयं भगवान ने गिरिराज गोवर्धन लीला आदि के द्वारा इंद्र के अहंकार मान के मर्दन किया दिखा रहे हैं समस्त विचार। बहुत सुंदर इसमें कथा जो है महाराज जी वर्णन करेंगे कि वे गिरिराज गोवर्धन किस प्रकार सेवा आदि की क्यों भगवान ये गिरिराज गोवर्धन की धारण करके हमें शिक्षा दी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राम। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। वंदना महाराज जी कैसे कृष्णा पूजा कर सकती है उसको सुना वंदना। देखो कल है कथा का विश्राम का दिन, कितना हरि आनंद हरि भगवान के कथित कथा का भी समाप्त नहीं होता, इसलिए कथा तो इतना कथा मुझे लगता है आधा कथा भी हमने नहीं सुनी है, कितने कथा भागवत में। इसलिए कल भगवान रुक्मिणी का विवाह होगी, सुदामा चरित्र भगवान का रासलीला, कल ये सारे कथा हम सुनेंगे। कल भगवान की रासलीला और कृष्ण रुक्मिणी के विवाह सुदामा चरित्र है, इसलिए कल भगवान शादी करेंगे, इसलिए कल सबके सब लाल कपड़े पहन कर के आना। कौन से कपड़े हैं? बढ़िया कपड़ा पहन, भगवान की शादी हो रही है ना, इसलिए रुक्मिणी को साथ, इसलिए
भगवान का रास है, सबके सब गोपी भाव से आना, कल भगवान की लीला होगी और कल सुधा चैत्र रास लीला भी होगी। इसलिए हमारे बड़ा महाराज जी कैसे कृष्ण इंद्र पूजा को बंद करा के गिरिराज पूजा कराए, अब लोग कोई उठना नहीं, कहीं 5-7 मिनट में कथा विश्राम हो जाए, फिर प्रसाद लेकर माला जी गुरवे गोविंदचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, गिरिराज महाराज जी का एक मधुर लीला जो है विभिन्न भक्तों से आप लोग सुन रहे हैं। पूज्य पाद रघुनाथ महाराज ने बड़े सुंदर तरीके से इसको वर्णन किया। समय वो चला है, इसलिए हम जो है समापन में लगभग संक्षेप में ही ये कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण प्रातः काल जब वे विश्राम कर रहे थे तो बड़ी सुंदर महक आई। सोचा प्रतिदिन मैया तो मुझे जगाएगी, आज तो जगाने नहीं आई, क्या बात है। और बड़ी सुंदर महक आई तो सोचा शायद आज मेरा जन्मदिन है। तो गए तो देखा मैया बड़ी व्यस्त है, मैया के पल्लू को बार बार खींचा और पूछा क्या हो रहा आज, क्या हो रहा, क्या मेरा जन्मदिन है। मैया के पास समय भी नहीं, फुर्सत ही नहीं कृष्ण को देखने का। कृष्ण ने सोचा ये कौन सी बड़ी विचित्र बात, प्रतिदिन तो मुझे बड़े प्रेम से जगाती है, आज तो नहीं की। फिर पिताजी के पास गए, पिताजी से भी पूछा, पिताजी ने सोचा छोटा सा बच्चा है अभी, मतलब 7 साल का है, जानता नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे कुल देवता का आज पूजा है, इसलिए कृष्ण तो आप ये जताना चाह रहे हैं मैं भी छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा। तो प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं और बाबा तो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना सारा विषय जानता है, कर्म मीमांसा की बड़ी बड़ी बातें करी। पिताजी ने कहा ये इंद्र ही हमारे कुल देवता है, क्यों, क्योंकि वो बारिश देता है, बारिश से गायों को घास मिलता है, गायों तो गाय वो घास को खा के दूध देती है, दूध से सब कुछ बनता है, यही हमारा जीवन है। तो कृष्ण ने कर्म मीमांसा की बड़ी बड़ी बात को लेकर के प्रश्न किया, क्या समुद्र, समुद्र तो पूजा नहीं करता है, कि तो समुद्र में क्या बारिश नहीं होता है, तो पहाड़ों में क्या बारिश नहीं होता, तो क्या पूजा करने से बारिश होगा। ये सब प्रश्न कृष्ण ने बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न किए। तो बाबा देख के बड़े दंग रह गए, छोटा सा बच्चा समझा ये तो बड़ा और पंडित निकला। तब उस समय जो है फिर बाबा ने पूछा तो कृष्ण ने कहा देखो बारिश तो देवता के कारण नहीं होता है, बारिश क्यों होता है, ये हमारे जो बहुत बड़ा पहाड़ है ये गिरिराज जी, ये गिरिराज जी के कारण बारिश होता है। जैसे ही बादल आकर के पहाड़ में टकराया, उन टकराने के वजह से बारिश जो है यहाँ पर पड़ता है। संस की बात हम लोग जो पढ़ते हैं ये कृष्ण ने 5,000 साल पहले ही कह दिया है सब चीजें, कि हम खोल के ना पढ़ते हैं ना सुनते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता है सब चीज। तो कृष्ण ने ये सब बातें कही तो बाबा ने पूछा तो ये कौन सा ये पहाड़ है, तो कृष्ण ने कहा ये गिरिराज बाबा के कारण ही जो है हमें बारिश मिलता है। तो तब जो है कृष्ण ने कहा यदि पूजा करनी है तो गिरिराज महाराज जी की पूजा करो, वही हमें सब कुछ देते हैं। इस प्रकार कह करके तो चंदा महाराज जी ने तुरंत बैठक बिठाई और सभी ने एक स्वर से कह दिया यदि कृष्ण ने कहा वही सत्य है, वही सब कुछ है, वही हम पालन करेंगे। सब सब लोगों ने स्वीकार कर लिया और जो पूरी पकवान सब कुछ बन चुका था, सब कुछ बैलगाड़ी में लादते हुए परिवार सहित बड़े बूढ़े बैलगाड़ी में बैठते हुए, महिलाएं बैलगाड़ी में बैठते हुए और गोपगण जो है बच्चे लोग जो है गायों को लेते हुए बच्चे जो है आगे आगे और वरिष्ठ गोप जो भी है वो पीछे की तरफ रहते हुए सारे लोग सारा प्रसाद लेते हुए गिरिराज जी के पास गए। वहां पर स्वयं कृष्ण ही गिरिराज जी का दूसरा स्वरूप धारण करके वहां पर दर्शन दिया और श्री कृष्ण स्वयं नीचे वो भोग लगा रहे हैं और स्वयं कृष्ण दूसरे स्वरूप में
गोविंदा स्वरूप में वहां से प्रसाद पा रहे हैं और सभी लोगों के देखते ही देखते श्री गिरिराज जी जो है प्रसाद पा रहे हैं। कृष्ण ने कहा देखा तुम्हारे देवता का भी दर्शन दिया, तुम्हारे देवता ने कभी प्रसाद पाया, कभी भी प्रसाद नहीं पाया, देखो गिरिराज जी कितने दयालु है, दर्शन भी दे रहे हैं, तुम लोग जो भोग लगा रहे हो सारे प्रसाद तो ये पा रहे हैं। तब पास में मधु मंगल ने कहा ये तो भाई गड़बड़ी की बात है, पहले वाले देवता खाता था, मतलब जो खाता था वो दिखाई नहीं देता था, कम से कम जब भोग लगाया वो तो बच जाता था, तुम्हारे देवता तो बड़ा विचित्र है, सब कुछ ही खा गया, कुछ भी बचा नहीं है, हम लोग क्या खाएंगे फिर पीछे से। तो कृष्ण ने कहा कि चिंता ना करो, सब लोग जो है नेत्र बंद करो, तो सब लोगों ने नेत्र फिर बंद किया और देखते ही देखते जितना लाया उसका चार गुना हो गया। और कृष्ण ने कहा देखो तुम लोग जो लाए इसका चार गुना हो गया। तब मधुमगन ने कहा हाय हाय ये पता होता मैं तो कितना किलो मैं रसगुल्ला लाता लड्डू लाता ये तो चार गुना 50 किलो फिर बन जाता, मैं तो माला माल फिर हो जाता। इस प्रकार से तरह तरह से कृष्ण ने ब्रजवासियों को बहलाया बिजाया संतुष्ट किया। बोलो गिरिराज महाराज जैसा प्रकार से संतुष्ट करके सभी लोग भोग लगाया और गिरिराज महाराज जी कहे ले आओ ले आओ ले आओ। ब्रजवासियों ने कहां से ले आएंगे, जितना लाए सब तो दे दिया। तब कृष्ण ने तुलसी दल और मानसी गंगा का जल दे करके कहा अब संतुष्ट हो जाए। तब कृष्ण ने गिरिराज महाराज जी के स्वरूप में कहा मैं तुमको संतुष्ट में हो गया। और कृष्ण जो है सारे ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी के परिक्रमा लगाई, उसके बाद सभी लोगों ने बैठ करके गिरिराज जी के 54 भोग प्रसाद को पाया। हाँ देखो भगवान परिक्रमा लगा रहे थे, सबसे पहले चल रहे थे ब्राह्मण संत, उसको पीछे चल रहे थे समस्त जो दादी थे वो भी परिक्रमा की, उसको पीछे चल रहे थे ब्रजवासी और सबसे पीछे ब्रज गोपी और सबसे पीछे राधा रानी चल रही थी। जब परिक्रमा करते हुए थोड़ी दूर गए इतने में राधा रानी सोच रही है सचमुच से अगर कृष्ण मेरे से अभिन्न है, मेरे को कृष्ण प्रेम करते हैं, मैं चाहता अभी कृष्ण बीच में राधा रानी सबसे पीछे, अभी राधा रानी की मन की भाव कृष्ण समझ गए, बोले भैया मैं कैसे स्पर्श कर सकता हूँ मैं तो पीछे। इतने में कृष्ण ने क्या किया एक बछड़े को लेकर के पीछे उसका मुंह की और उसका पूछ को एंड दिया, इतने में जो बछड़ा था फुदकते हुए सबसे पीछे चला गया और राधा रानी को पीछे से स्पर्श कर दिया। फिर राधा रानी का रोम रोम खिली हुई और थोड़ी देर गई, फिर राधा रानी सोच रही है क्या कृष्णा मेरे को एक बार दर्शन दे, कृष्णा तो बीच में राधा रानी पीछे अब दर्शन कैसे दे। इतने में कृष्ण ने राधा जी के भाव को समझते हुए जो गैया चरण का जो लकुट थी ना वो लकुटी को उन्होंने ऐसे फेंकी, फेंक करके जब उसको पकड़ने के लिए गए राधा रानी का दो आंख और कृष्ण का दो आंख मिल करके चार हो गया और राधा रानी एकदम प्रेम में राधा रानी गद गद हो गई। फिर थोड़ी दूर गए फिर राधा रानी सोच रही है क्या कृष्ण एक बार मेरे को दर्शन देंगे, अभी कृष्ण मन की बात समझ गए बोले फिर कैसे दर्शन दो। इतने में कृष्ण की जो गैया चरण का लकुटी है वो साधारण नहीं, वो हीरे जवाहरातों से बड़ा हुआ है। इतने में कृष्ण लकुट का जो ऊपर की ना उसमें कृष्ण का जो प्रतिबिंब ये मणि के ऊपर में कृष्ण का प्रतिबिंब प्रतिछवि रूप में आए और राधा रानी पीछे से ही इतने में से कृष्ण को दर्शन किया। ऐसे दर्शन करते करते संपूर्ण रूप में उन्होंने भी गिरिराज की परिक्रमा लगाई और ब्रजवासियों ने बड़े सुंदर खाते पत्ते प्रसाद उन्होंने भोग लगाए। देखो आज जो गिरिराज और गिरिराज जी को वरदान दिया मतलब आज का दिन ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना जिसने मेरे सेवा में लगा दिया मैं आशीर्वाद देता हूँ किसी जीवन में घर में कभी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा, अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए आज का दिन कुछ कुछ भक्तों ने सेवा की, एक भक्तों ने मैंगो से कम मैंने प्रसाद दिया है, उनका नाम है चंद्र सतदेव, यहाँ पर है चंद्र सतदेवा कोई यहाँ पर है कि नहीं कोई, हाँ इन्होंने आज
आपके लिए मैंगो सेक का सेवा किया। कौन है पर खड़े हो जा, किसका नाम लिया, इधर आ जाओ, इधर आ, हाँ तो इनके लिए ताली बजाओ, सबके लिए मैंगो सेक की व्यवस्था की है। हाँ देखो आपका हाथ में माला पकड़ा दिया ना, अभी 5 मिनट लगेगा, हमारा कंपनी सेक्रेटरी है, हाँ रामलीला के उनके सेक्रेटरी, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा, अब लोग हाथ में माला पहुंच गया ना, 5 मिनट और दो, 5 मिनट में एक माला जप कर लो, उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर जाना, सबके सब माला निकाल लो, सबके सब माला निकाल लो और हमारे साथ में जप कर लो। एक बार बोलो, बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद, बोलो मेरे साथ में बोलते रहो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सबके सब बोलो, क्योंकि जो नहीं बोलेगा ना, जो बोलने वाले का पाप जाकर उसका सर पर चढ़ बैठेगा, सबके सब मुंह खोल कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो तो हरे कृष्ण 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 सजे, बोलो तो हरे राम सजे, बोलो राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ खत्म हो गया ना। हाँ जो माला है देखो, जिनकी इच्छा है माला जप करने का, नियम है अपने आप नहीं जप करनी चाहिए, नियम है किसी साधु से लेनी चाहिए, किसी गुरु जी से ही माला लेकर के जप करनी चाहिए। इसलिए जिनकी इच्छा होगी माला जप करने के लिए, आप मंदिर में आकर जैसे महाराज है मैं हूँ, जिसकी इच्छा होगी माला जप करने का, आप सवेरे 7-8-9 बजे आप आ करके माला ले सकते हो। इसलिए आपके पास में जो माला है ना उसको लेना नहीं, अभी वापस दे दो, पाप लगेगा, कोई माला लेना नहीं, सब एकट्ठे कर दो माला में। जब 2-3 व्यक्ति खड़े हो जाओ, माला को एकट्ठे कर लो, माला को एकट्ठे कर दो, 2-3 व्यक्ति खड़े हो जाओ, खड़े होकर माला को एकट्ठे कर लो और रविनी प्रभु को दे दो। रविनी प्रभु कहाँ है? आरती करो, आरती करो,